बच्चों गुड मॉर्निंग क्या हाल चल आपके कैसे हैं आप शिव बहुत आगे कर दिया है बहुत ज्यादा आगे नहीं है इधर थोड़ा सा उधर जाता है ये हाँ बस बस ताकि में बैठ ठीक है हाँ जी बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी ठीक है क्या हाल चाल है बच्चे क्या हाल चल आप सबके कैसे हैं आप मुझे जुकाम हो गया है बट एनी वे सेशन तो आज लेना शिवम कोलिंग बढ़ाना कूलिंग बहुत कम है स्टूडियो में गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग आप सब कैसे हैं एक बार मुझे बता दीजिए क्या हाल चल आपके अभिषेक क्रिकेट मैच आज चार मैच हुआ था हमारा चार में से चारों आपके संतोष सर जीते हैं। एक एक मैच का जो प्राइस था पांच समोसे थे तो आज चार मैच यानी कि बीस समोसे में जीत के आया हूँ मैच बीस समोसे साढ़े छ बजे से खेलना शुरू किया और दस बजे तक साढ़े तीन घंटे में चार मैच बीस समोसे जीत के आया हूं, हूं। ये निखिल आप कभी मेरी अगर बॉलिंग देखोगे ना तो आपको हैरानी हो जाएगी कि संतोष सर ऐसे बॉलिंग क्यों कैसे कर सकते हैं और अगर अगर बॉलिंग इतना अच्छा करते हैं तो फिर ये टीचिंग में क्यों आ गए क्यों नहीं वो आके फिर क्रिकेट खेलना शुरू किए तो मैं क्या करूं मैं क्रिकेट खेलना चाहता था दीपिका कहती है कि सर मुझे सी में फोर्टी मार्क्स आए थे क्या करूं एमसीक्यू बहुत टफ आ रहे हैं अरे लड़की ए टफ नहीं आया था अभी जो आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था ना अभी ए फोर्टीन का अगर मैं आपको दिखाऊं जो बच्चा ये पढ़ के गया रहता एम ऑफ कंपनी तो उसको दिक्कत नहीं थी अब इंस्टीट्यूट आपको बदमाशी करे तो क्या करें बट होपफुली इस पर वो बदमाशी करता भी है तो मैंने क्या क्या आपकी तैयारी करा दी है मैंने ए फोर्टीन भी कवर करा दे रहा हूँ एस ट्वेंटी वन भी कवर एज फोर्टीन पूरा तीन क्लास में कवर, कवर हो जाएगा आज की क्लास और सारे कौनसे पाज खत्म हो जाएंगे थोड़े से बच जाएंगे तो अगली जो क्लास होगी उसमें पूरे प्रैक्टिस के साथ आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो भी दिखाऊंगा कितना सिंपल क्वेश्चन था वो भी हो जाएगा हाँ जी ठीक बोल रहे बच्चे मैं ही इंडिया को बचा सकता हूँ वर्ल्ड कप फाइनल में तो अब हम स्टार्ट करें बच्चे अरे ये राघव एक बदमाश बच्चा है ये कल भी यही पूछ रहा था कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन ए फोर्टीन का है कि इंडेक्स वन जीरो थ्री का है अरे बताऊंगा बदमाश थोड़ा सा वेट तो कीजिए थोड़ा सा वेट कीजिए इसका एंड तो हो जाने दो पहले दोनों समझो इंडेक्स वन जीरो थ्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडेक्स वन जीरो थ्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे आपका अमेल ऑफ कंपनी आप सीख लो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें दिखेंगी तो हम समझेंगे कि हाँ जी हमें ये अप्लाई करना है ठीक है तो मेरे बच्चे क्लास की शुरुआत कर रहा हूं मैं आपको अब मैं रुकने वाला नहीं और क्लास शुरू करने के पहले हम इसके लाइक बटन को प्रेस कर दें ताकि यूट्यूब वाले को लगे कि हाँ संतोष सर संडे को आके भी अपने बच्चे की क्लास ले रहे हैं छुट्टी के दिन भी उनको पढ़ा रहे हैं ठीक है राघव मैथानी हाँ जी आर्यन देशमुख आइए हम शुरू करते हैं आपकी क्लास को राघव इंडेक्स एक सौ तीन में प्रिफरेंस को फाइनेंशियलिटी मानते हैं आपका इंस्टीट्यूट तो जो सोल्यूशन दिया है कोई भी एक चीज मान लो बट आप फाइनेंशियल फाइनेंशियलिटी मानते हुए ट्रीट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आइए काजल अब हम शुरू करते बच्चे आपका इंडेक्स वन जीरो सॉरी एस फोर्टीन के अंदर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एक बार शॉर्ट में पिछली क्लास का रिवीजन बिल्कुल दो मिनट के अंदर में और फिर अरे लड़का ये ओल्ड कंपनी का हटा दिया क्या इसमें से बदमाश है इसने ओल्ड का हटा दिया। आपके पास ओल्ड कंपनी का है मेरे बच्चे, मैं आपको याद करा हम अंदर में हम लोगों ने एक तो पढ़ा था बच्चे पीसी निकालना पीसी निकालने के हमारे पास दो मेथड थे एक आपका नेट एसेट्स एक हमारा नेट पेमेंट नेट एसेट्स में एसेट्स की मार्केट वैल्यू हमारा पीसी निकल के आ जाता था जब हम नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकालते थे तो नेट पेमेंट में हमने क्या किया था जी कि कंपनी के जो मालिक है यानी कि शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस को उनको जो भी कुछ दिया गया उन सबको हम ऐड कर देंगे पीसी निकल के आ जाएगा एंड जो भी कुछ हम उनको पेमेंट करते हैं एक्चुअली वो क्या होता है जी वो उनका जो कैपिटल है रिजर्व सरप्लस कोई लॉसेज है या जो एसेट सेलेब्रिटी को कम ज्यादा पे वैल्यू किया गया उसका घाटा फायदा मिलकर वो टोटल अमाउंट उनका बन जाता है फिर आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको दोनों ही मेथड से पीछे से निकल सकता है और आपको ना बताया कि किससे निकालना है तो पहले आप नेट पेमेंट को प्रेफर करना क्योंकि वो ज्यादा रियल होता है एज कम्पेयर टू तो नेट के अगर नेट पेमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम नेट इफेट से निकालेंगे फिर हमने स्वेप रेशियो की बात की थी स्वेप रेशियो में स्वेप रेशियो अगर हमें निकालना होगा तो वी कैलकुलेट स्वेप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू और हम लोगों ने क्या किया था कि कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसको हमने दोनों का निकाला था इंटरनसिक वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है इंट्रेंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर हम निकालते हैं जिसके लिए हम जितने भी एसेट्स की मार्केट वैल्यू लाइवलिटी को माइनस करना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनका भी क्लेम माइनस करना फिर लास्ट में जो पैसा बच जाता है इक्विटी वालों के लिए उसको नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके हम इंटरनसिक वैल्यू निकाल लेते हैं फिर जब स्वैप रेशियो निकालते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि पहले ओल्ड कंपनी फिर न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के आगे हमेशा हम वन लिख देंगे न्यू कंपनी के आगे क्या करेंगे जी इंटेंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड बाई इंटेंसिक वैल्यू ऑफ न्यू हमने याद करने का तरीका ही बताया था कि ओल्ड ऊपर में क्योंकि हम बुजुर्ग जो होते हैं उनको हम ऊपर रखते हैं अपने पास ठीक है ना तो ये हमने आपको बातें आपको बताई थी उसके बाद हम लोग आगे थे आपका आ, ओल्ड कंपनी के बुक में ओल्ड कंपनी में रिलेशन अकाउंट बना था वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर अकाउंट सारे एसेट्स लाइब्रेटी जो बैलेंस शीट में है या एसेट्स में कोई प्रोविजन है या कोई ऐसा प्रोविजन जो लाइव्रेटी का नेचर का होता है सब हमने रिलेशन अकाउंट में लिखा जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल है रिजर्व सरप्लस है कोई लॉसेज बैलेंस शीट में वो इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में लिख दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने प्रेफरेंशियर होल्डर अकाउंट में लिख दिया अब हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशन अकाउंट में न्यू कंपनी का जो अकाउंट है उसको लिखते हैं न्यू कंपनी के अकाउंट से बाई पीसी के एंट्री करते हैं न्यू कंपनी का अकाउंट खोलते हैं पीसी का अमाउंट रियलाइज करते हैं जो भी कुछ रियलाइज किया उनका हमने अकाउंट खोला इसके बाद हम प्रेफरेंस वालों का पेमेंट करते हैं जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो भी हम इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो भी हम इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं और फाइनली जो लास्ट में हमारे पास बच जाता है उन सबसे हम इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट कर देते हैं ठीक है ना तो ये आपको हमने क्या किया आपको सारी बातें पिछली क्लास तक बताई थी आज मेरे बच्चे हम लोग ट्रीटमेंट सीखने वाले इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी नई कंपनी के बुक में और यहीं से बिल्कुल ध्यान से आपको चलना होगा क्योंकि इंडेक्स 103 जीरो थ्री या और हमारा जो यहाँ पे आपका एस फोर्टीन है उसमें अकाउंटिंग में जो डिफरेंसेज है तो मेनली यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो हम यहाँ पे समझेंगे जरा ध्यान से और ए एस 14 का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है वहां पे जैसे एनसीआई uh, का कॉन्सेप्ट होता था, था यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे ए एन मानता है कि भैया आपने जिस कंपनी को टेक ओवर कर लिया उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे ठीक है ना आज की पूरी क्लास मेरे बच्चे हम इसी बात को ध्यान में लेकर चलेंगे वी आर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी वी आर द अकाउंटेंट ऑफ नई कंपनी एंड वी हैव बीन गिवन द रिस्पॉसिबिलिटी टू प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ न्यू कंपनी न्यू कंपनी का जो अकाउंट्स होगा उसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी है तो हम लोग क्या करेंगे जब भी नई कंपनी को इस एम का एब्जॉर्बशन का चाहे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन कोई भी केस हो जब एंट्री करना होता है तो मेरे बच्चे नई कंपनी को पहले ये पहचानना होता है कि क्या ये जो चीज हो रहा है वो आपका दो तरीके का होता है बच्चे उनको दो चीज पहचानना होता है कि क्या ये जो मिलना हो रहा है जो नई नई कंपनी जो ओल्ड कंपनी को परचेज कर रही है क्या वो एम आपका इन द नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है या फिर एम इन द नेचर ऑफ परचेज होता है ध्यान सुनेंगे हमेशा नई कंपनी जब अपने बुक में अकाउंटिंग करेगी तो अकाउंटिंग के पहले मेरे बच्चे उसको इस बात को पहले इंश्योर करना है पांच पॉइंट्स बताए गए फाइव पॉइंट्स उन पांच पॉइंट्स से पहले नई कंपनी को इस बात को बताना होगा कि क्या जो ओल्ड कंपनी को उसने टेक ओवर किया है ओल्ड को जो अपने साथ मिलाया है वो इन द नेचर ऑफ आपका मर्जर है या फिर इन द नेचर ऑफ परसेज है ये मर्जर में और परचेज में क्या फर्क होता है मेरे बच्चे पांच पॉइंट्स मैं ऐसे रेगुलर क्लासेज में सारी बातें लिखवाता हूं लेकिन आपको पता है कि हम लोग थोड़ा स्पीड में काम कर रहे हैं तो मैंने सारी बातें यहां पे लिखा है बट अभी इसको देखना बंद पहले मेरी बात ध्यान से सुनना पांच ऐसे कंडीशन बताए गए हैं एक दो तीन चार पांच पांच कंडीशन अगर ये पांचों ही कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दोगे पांचों को एक भी कम नहीं होना चाहिए तो फिर हम उसको बोलते हैं कि एमलगेमिशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है मर्जर हम उनको अपने साथ मर्ज कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं अगर ये पांचों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं अगर इनमें से एक भी कंडीशन टूट गया मेरे बच्चे तो हम कहते हैं कि इन द नेचर ऑफ परचेज है है सर वो कौन कौन से पांच आइए पहले मेरे साथ ना, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं आपको ज्यादा मजा आएगा एक बार मेरे साथ समझ के आपको लिखना नहीं है बस मेरी बात सुननी है यहाँ पे फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा लिखना नहीं है मेरे बच्चे एक बैलेंस शीट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो बैलेंस शीट है ये मान लो आपका है ऑफ हच लिमिटेड ये लिखना नहीं है बिल्कुल दो मिनट में ध्यान सुनना क्योंकि यही आगे की जो अकाउंटिंग है एस का वो तय एट, एट लैक्स जो इनके करंट वो मालो आपका दो लाख रुपए का है ठीक है ना तो ये हमारे पास एसेट्स कितने हो गए इनके आपका टेन लाख का अमाउंट हो गया दस लाख रुपए हमारे पास क्या हो गया जी इनके एसेट्स हो गए मान लीजिए इनके पास बैलेंस शीट में जो एसेट्स हों कितने गए तो आपके टेन का रूप ठीक है ना दस लाख रुपए अब इनका यहां पे कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो ये कहता है कि आ, वन लैख या फिर मान लो टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स है आपको फिर यहाँ पे मेरे बच्चे और ये कैपिटल मान लो कहता है कि आपका टू लैख रुप लैक्स रुपेज का इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है मान लीजिए आपका वन फिफ्टी का और इनके पास लाइविटीज है लाइवलिटीज है कितना हो गया चार यानी कि साढ़े पांच लाख रुपए का ये टोटल कितना हो गया टेन लैक्स हो सकता है एग्जाम में ये थ्योरी के रूप में ही बन जाए आपका कि सर आ, जरा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंडेज में डिफरेंसेज बताइए तो आपको ये बात समझना है ठीक है ना सुनेंगे ध्यान से बच्चे ये, ये हज कंपनी ओल्ड कंपनी है और इस कंपनी को न्यू कंपनी मान लो वोडाफोन ने क्या-क्या इसको टेक ओवर कर लिया वोडाफोन ने इसको टेक ओवर कर लिया जब वोडाफोन यानी कि नई कंपनी इसको टेक ओवर करेगी तो नई कंपनी को पहले ये डिसाइड करना होता है कि क्या ये टेक ओवर इन द इन द नेचर ऑफ मर्जर है इन द नेचर ऑफ मर्जर है या फिर इन द नेचर ऑफ परचेज है इन द नेचर ऑफ मर्जर या फिर इन द नेचर ऑफ परचेज मर्जर के लिए 1 2 दो तीन चार और पांच ये पांच कंडीशंस बताए गए हैं अगर इन पांचों ही कंडीशन को आपने सेटिस्फाई कर दिया तब तो कहेंगे कि भैया ये मर्जर है अगर पांचों को आपने सेटिस्फाई नहीं किया मेरे बच्चे तो फिर हम क्या करेंगे आपको परचेज में डालते हैं वो कौन से कंडीशन सुनिए अब ध्यान से पहला कंडीशन पहला ये जो ओल्ड कंपनी है ना बच्चे ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं ध्यान से ओल्ड कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं जितने एसेट्स जितनी लाइबिलिटी वो सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटी नई कंपनी टेक ओवर करेगा ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी आर बीइंग टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी ऑल किसी को भी आप छोड़ोगे नहीं है ना मर्जर का मतलब क्या होता है अगर मैं सिंपल शब्द बताओ हम दोनों मिल रहे हैं हम आपको परचेज नहीं कर रहे हैं हम आप, हम दोनों मिल रहे हैं तो मिलने का मतलब क्या जो मेरे एसेट्स लाइबिलिटी है जो आपके हैं हम दोनों को मिला देते हैं तो पहले में क्या होगा मेरे बच्चे लिखा नहीं है सुनना आपको ऑल एसेट्स जितने भी एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटी है ऑफ ओल्ड कंपनी ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी सब कुछ आप लेकर आओगे किसी भी एसेट्स लाइबिलिटी को आप नहीं छोड़ोगे आप पहली बात करो ठीक है मान लिया हमने दूसरा कंडीशन दूसरा कंडीशन मतलब तो बच्चे जितने भी एफेड फ्लैबिलिटी हैं जितने भी एफेड फ्लैबिलिटी है उनको जब आप लेकर आओगे मतलब कि नई कंपनी जब इनको लेगी तो उसी वैल्यू पे टेक ओवर करेगी जो वैल्यू आपके बुक में अपीयर कर रहा है मतलब कि नहीं भैया मैं आपका फिक्सड आठ लाख का नहीं मैं तो नौ लाख में लेके जाऊंगा या मैं छह लाख पे लेके जाऊंगा वो तब होता जब किसी को परचेज करते हो मर्जर है ना अब हम दोनों मिलके काम करते हैं तो मेरे बच्चे जब हम दोनों मिलके काम करेंगे इसका मतलब क्या ऐसा कुछ नहीं होगा एक तो सारे सारेट सारे लाइब्रेटरी को हम टेक ओवर करेंगे पहला पॉइंट पॉइंट दूसरा पॉंट कि दे विल बी टेकन जितने भी ये लिए जाएंगे जितने भी है दे विल बी टेकन कौन से प्राइस पे हमने कहा एट बुक वैल्यू बुक वैल्यू यानी कि आप इनके एसेट्स लाइब्रेटरी में कोई चेंज नहीं कर सकते जो बुक में है उतने पे ही आप लेके आ सकते हैं दूसरा पॉइंट एक्सेप्शन है जो आगे बात करूंगा लेकिन दो पॉइंट आपका यहां पर निकल गया तीसरा पॉइंट सुनेंगे तीसरा पॉइंट जब आप इस कंपनी को आप टेक ओवर करोगे हज कंपनी को जब वोडाफोन टेक ओवर करेगा तो हज कंपनी का जो बिजनेस है ना एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप कंटिन्यू करोगे ये नहीं कि आपने इस कंपनी को अपने साथ मिला लिया और फिर इनके बिजनेस को बंद कर दिया वो अलाउड नहीं होगा यानी कि मेरे बच्चे बिजनेस जो आपका होगा बिजनेस यानी कि जो काम ये कर रहे थे ऑफ ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी विल बी विल बी कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड बाय द न्यू कंपनी नई कंपनी क्या करेगी उसको कंटिन्यू करेगी उसको रोक नहीं सकते उसको खत्म नहीं कर सकती है तीसरा कंडीशन मैंने आपको बताया

एटलीस्ट इसका 90 परसेंट एटलीस्ट जो इसका नाइन्टी परसेंट है वो सभी नई कंपनी में मिलने को तैयार हो मतलब जिस कंपनी को आप अपने साथ मर्ज करा रहे हो उस कंपनी में मेरे बच्चे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उस इक्विटी शेयर होल्डर्स का एटलीस्ट यानी कि कम से कम 90 परसेंट लोग आपके कंपनी में मिलने को तैयार हो जाए यानी कि हमने कहा एटलीस्ट अगर इससे ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है इससे कम नहीं होना चाहिए एटलीस्ट 90 परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी ऑफ ओल्ड कंपनी अग्रीड अग्रीड या अग्री कर दो अग्री टू बिकम टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी ऑफ न्यू कंपनी मतलब जी ओल्ड कंपनी में जो मेरे बच्चे इक्विटी है ना ये इसका कम से कम 90 परसेंट मतलब कि अगर यहां देखो तो कम से कम 9000 जो जिनके पास इक्विटी है उस नई कंपनी में इक्विटी ले यानी कि वो कंपनी के मालिक बने इक्विटी ले मतलब कंपनी के मालिक बने मेरी बात ना, मैं क्या बता रहा हूं प्रेफरेंस वाले आपके कंपनी में प्रेफरेंस लेते हैं नहीं लेते फर्क नहीं पड़ता जो इक्विटी वाले हैं इसका एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट जो होगा अगर नाइनटी परसेंट से ज्यादा अच्छी बात है लेकिन जो नाइनटी परसेंट है वो, वो उस कंपनी में मालिक बने यहां का मालिक वहां के मालिक में शिफ्ट हो जाए यानी कि यहां की इक्विटी को वहां पे इक्विटी मिले और पांचवा पॉइंट कहता है कि दोज इक्विटी शेयर होल्डर दोज इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर होल्डर हो अग्रीड हो अग्रीड टू बिकम टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी ऑफ न्यू कंपनी शेल बी पेड शैल बी पेड शैल बी पेड ओनली बाई ओनली शेयर इशू ऑफ इक्विटी शेयर बिल्कुल दिमाग को शांत रखो लाइट रखो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि यार एफ फोर्टीन का क्वेश्चन आगे ना तो भगवान से मनाना की भगवान क्वेश्चन दे देना देखो कितना मजा आपका आएगा पांचवा कहता है चौथा में हमने क्या बोला था फोर्थ पॉइंट में हमने कहा कि ये जो ओल्ड कंपनी में आपकी इक्विटी है ना बच्चे टेन थाउजेंड इसका एटलीस्ट नाइनटी परसेंट मतलब कि कम से कम नाइन थाउजेंड ये लोग नई कंपनी में क्या करें उनको इक्विटी मिले है ना वो कंपनी में वो मालिक बने तो ये फोर्थ पॉइंट था पांचवा पॉइंट कहता है कि जो भी लोग जो भी लोग नई कंपनी में मालिक बनने को तैयार हुए उनका पेमेंट नई कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के थ्रू होना चाहिए सिर्फ इक्विटी मतलब कि आपने क्या किया जी बोला कि ठीक है आज मेरी कंपनी में हम आपको इक्विटी भी देते हैं हम आपको कैश भी देते हैं ना, ना 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 कैश नहीं दे सकते मर्जर हो रहा है ना हम मिल रहे हैं ना तो मिलने का मतलब क्या मेरी कंपनी आपकी कंपनी मिल के काम करेगी ये मर्जर होता है एक्चुअली आपने टैक्स में पढ़ा होगा कि मर्जर के, के केस में कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं

ओल्ड कंपनी के बिजनेस को आप डिसकंटिन्यू नहीं करोगे फोर्थ में ओल्ड कंपनी में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट नई कंपनी में इक्विटी लेने को तैयार हो जाए ओल्ड इक्विटी को नई कंपनी में क्या इक्विटी मिले ये पांच बार और जो भी लोग नई कंपनी में आए उनका पेमेंट नई कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के थ्रू ही करना है इक्विटी के साथ साथ हमने कैश दे दिया इक्विटी के साथ साथ हमने प्रेफरेंस भी दे दिया इक्विटी के साथ साथ हमने डिवेंचर भी दे दिया, दिया। अलाउड नहीं है

बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है कि एस फोर्टीन पे अगर सिर्फ क्वेश्चन वो बनाए तो ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आपका बन सकता है कि बताओ एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब कहते हैं कहते हैं कि जब ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए पहला ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफर यानी कि ओल्ड कंपनी बिकम आफ्टर एमलगेमेशन एसेट्स लाइबिलिटी ऑफ न्यू कंपनी पहला पॉइंट

ओल्ड कंपनी क्या है हज कंपनी क्या है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने का मान लो फिफो तरीका फॉलो कर रही है फिफो मेथड और हम मैं कहता हूं कि भैया हमारे में तो सारा वेटेड मेथड होता है तो कोई बात नहीं चेंज कर सकते हो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम उसको पर change कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी मतलब पॉलिसी यूनिफॉर्म बनाने के लिए आप चेंज कर सकते हो वो डब्ल्यूटीबी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता था हमारे बिजनेस में एसएलएम से होता है वो कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इंटेंशन अगर आपका है कि नहीं जी हम उसके एसेट फ्लेबिलिटी को चेंज करेंगे मतलब कि हम एक तरीके से परचेज कर रहे हैं वो अलाउड नहीं है ठीक है ना तो भाई कहता है कि आपका

कि बिजनेस ऑफ ट्रांसफर यानी कि ओल्ड कंपनी का जो बिजनेस है इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर एमलगमेशन बाय द न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के बिजनेस को नई कंपनी क्या करेगा अपने साथ चलाएगा तीसरा पॉइंट हो गया चौथा पॉइंट आपका ये देखेंगे जो हमने लिखाया था ऐसे आप कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90 परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर किसके बारे में बात हो रही है इक्विटी का प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा उनको जैसे पेमेंट करना है वो मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता जो कंपनी के मेन मालिक इक्विटी है उनका एटलीस्ट 90 परसेंट ऑफ द ट्रांसफर यानी कि ओल्ड कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर और मेरे बच्चे जो इक्विटी हमारे साथ मिलने को तैयार हो गए जो कंसिडरेशन uh, पे किया जाएगा फॉर द एमल रिसीवेबल बाय दो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी होली बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर होली पूरा का पूरा पेमेंट आप क्या करोगे इक्विटी शेयर के थ्रू ही करोगे हाँ अगर कोई फ्रैक्शन आ गया एक्सेप्ट दैट कैश पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शन शेयर देखा था ना पिछली क्लास में पीसी निकालते समय कुछ फ्रैक्शन निकल गया था तो फ्रैक्शन वाले पार्ट का आप कैश पेमेंट करो कोई बात नहीं है लेकिन ऐसे बाकी आपको क्या करना होगा इक्विटी का पेमेंट इक्विटी के थ्रू ही करना पड़ेगा क्या आप सारे बच्चों को ये पांचों पॉइंट्स जो मैंने बताया आपके दिमाग में बैठा अभी तक की बात अभी इसको हरे क्वेश्चन में हम चेक करेंगे लेकिन क्या ये पांचों बातें आपके दिमाग में बैठा है प्लीज आप मुझे बताइए क्या ये पांचों बातें जो मैंने आपको बताई बैठी अगर हां तो प्लीज हां लिखिए ना तो फिर ना लिखिए है ना जल्दी बताया आप इसमें पांच पॉइंट क्या आप लिखते चलो मैं पढ़ रहा हूं सारे बच्चों का हाँ या ना अदरवाइज संडे को आने का क्या फायदा हुआ मेरा संडे को आने का क्या फायदा हुआ हमने कहा पहला पॉइंट क्या अब आप, आप हाँ मैं देख भी रहा हूँ हाँ ना हाँ ना देख रहा हूँ मैं सबका पहला पॉइंट क्या था कि ओल्ड कंपनी के जो एसेट्स लेवलिटी है सब आप लेकर आओगे दूसरा उसी वैल्यू पे जो बुक में पेयर कर रहा है तीसरा बिजनेस को आप कंटिन्यू करोगे चौथा हमने कहा कि ओल्ड कंपनी में जितने भी इक्विटी है उनका एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट लोग नई कंपनी में इक्विटी लेने को तैयार हो जाए और पांचवा जो इक्विटी लेने को तैयार हुए उनका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी में ही करना है और किसी तरीके से नहीं हाँ कोई फ्रैक्शन किसी का आएगा तो दैट पेमेंट कैन बी डन इन कैश ठीक है ना येस yes. हाँ जी नंदिनी विष्णु एंड विवेक एंड प्रीत एंड राजा एंड अखिल एंड रविंद्र हर्ष एंड निखिल एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आपके पास इसमें कुछ बचा ही नहीं मेरे बच्चे पता है जैसे ही आपने डिसाइड किया ना कि भैया मर्जर है तो फिर अब आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी नई कंपनी के बुक में जब भी एग्जाम में पूछेगा तो एंट्री ही पूछेगा आपके एग्जाम में जो पिछला क्वेश्चन आया था उसमें भी एंट्री ही पूछा था यहां भी एंट्री ही पूछेगा एंट्री और नया बैलेंस शीट बना दो है ना तो पहले आइए मैं आपको एंट्री से यहाँ पे गुफ्तु कराऊ एंट्री क्या है हमने डिसाइड कर लिया वो मर्जर है कि परचेज है बिल्कुल देखो मेरे साथ ना आपको बिल्कुल इमेजिनेशन में आना पड़ेगा अगर कोई भी आगे पीछे अगल बगल में अभी आदमी या कोई बैठा हुआ है उनको बोलो कि अभी दूर हो जाओ अभी दूर हो जाओ क्योंकि संतोष सर जो अगले दस मिनट में मुझे बताने वाले हैं उसको बड़े बड़े ध्यान से स्माइल फेस के साथ सुनना है तो कोई अगल बगल में तो उसको हटा दीजिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ दो चीज मैंने यहाँ पर लिखा है मेरे बच्चे मैं पहले आपको मर्जर की एंट्री बताऊंगा फिर परचेज में एंट्री बताऊंगा फिर दोनों में चेंजेस क्या है वो भी बताऊंगा इसलिए आपका फोकस मेरे साथ पहले यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल मर्जर के साथ होगा मर्जर के साथ आपका है ना सुनिए पहला फॉर एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी नई कंपनी ने याद रखना अब आप आप पे क्या हो अपने को हमेशा क्या मानोगे जी आप मानोगे कि ये जो वोडाफोन है ना बच्चे नई कंपनी आप ये जो वोडाफोन है यानी कि नई कंपनी इस नई कंपनी के आप अकाउंटेंट हो और इन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है कि जो हमने हज को परचेज किया आप उसकी एंट्री करो तो आप क्या करोगे जो पहली एंट्री पास करोगे पहली नो डाउट कि पहले पीसी जानना होगा जैसे कि ओल्ड में था उसी तरीके से न्यू दोनों को सेम पीसी होता पी सी जानना पड़ेगा पीसी जानने के बाद अब ये क्या करेगा आप क्या करोगे कि अगर ये मर्जर है तो आप पहला एंट्री बिजनेस को उनका आपने मर्ज किया हम उसकी एंट्री पास करते सर लिखे हम लिखना नहीं है मैंने सब दिया आपको नोट्स में सुन लीजिए मेरी बात पहले तो आप क्या कहते हो आप कहते हो कि बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिटेड एंड टू मतलब कि हमने एक बिजनेस को अपने साथ मर्ज किया है और इस बिजनेस के लिए, के लिए हम पेमेंट किसको करेंगे लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी जो ओल्ड कंपनी का यानी कि हज कंपनी का जो लिक्विडेटर है ना बच्चे हम उसको पेमेंट करेंगे यानी कि एक हज कंपनी को हमने लिया

तो ये हमने क्या किया बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी पहला एंट्री निकल गया हमेशा एंट्री क्या करेंगे आप विद द अमाउंट ऑफ पीसी होगा दूसरा एंट्री जो हम करेंगे मेरे बच्चे दूसरा एंट्री उसमें क्या होगा ये जो बिजनेस आपने लिया ना अब उस बिजनेस में क्या क्या लिया कौन कौन सी चीजें आपने ली आप उसकी एंट्री कीजिए और आ जाओ दिमाग शांत देखो आंखें बंद है आपकी आंखें बंद है और आपको बंद आंखों में क्या दिख रहा है हज कंपनी का बैलेंस शीट कैसा बैलेंस शीट दिख रहा है वो हज कंपनी का मेरे बच्चे आपके दिखाता हूँ आपकी आंखें बिल्कुल बंद होनी चाहिए और उस बंद आंख से आपको सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंस शीट दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया था जो यहाँ पे बनाया था हमने ये डिसाइड कर लिया मेरे बच्चे कि ये मर्जर है जो पांच कंडीशन से वो सेटिस्फाइड हो गए और सेटिस्फाई होने के बाद हमने क्या डिसाइड कि किया मर्जर की एंट्री करना शुरू किया तो मर्जर की एंट्री करते समय पहला एंट्री हमने क्या किया बताइए हमने इस कंपनी को लिया तो हमने कहा बिजनेस मर्जर बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी हमने किया ना विद अमाउंट ऑफ पीसी जितना भी पीसी डिसाइड किया गया होगा पीसी अब दूसरी एंट्री में क्या करेंगे इस बिजनेस के बदले में हम इस कंपनी को अपने साथ मिलाने का काम करेंगे मिलाने का मर्ज करने का काम करेंगे मर्ज करने का काम करेंगे हमने उनको मर्ज कर दिया अपने साथ तो जब मर्ज करूंगा तो पता है क्या करूंगा इनके बैलेंस शीट में जितने सारे आइटम्स हैं जितने सारे आइटम्स उन सबको मैं अपनी कंपनी में ले लूंगा अपनी कंपनी में, यानी कि वोडाफोन क्या करेगा? इनके बैलेंस शीट में जितने सारे आइटम है ना उन सारे आइटम्स को अपने पास लेने की एंट्री करेगा मतलब इनके जितने सारे एसेट्स हैं, उन सबको मैं लूंगा तो ऑल एसेट सर हम भी लिखे नहीं बदमाश में आपके दिमाग में एक पिक्चर लेकर आ रहा हूं

कौन से प्राइस पे एंट्री होना चाहिए क्योंकि नाउ यू नो व्हाट इज कॉल्ड मर्जर अगर आपको मर्जर का मीनिंग पता है तो आप मुझे बताइए इनको कौन से वैल्यू पे yes, मेरे बच्चे ये सारी चीजें क्या होंगी बुक वैल्यू पे आएंगी बुक वैल्यू पे आएंगी सब कुछ बुक वैल्यू पे आएगा ठीक है तो सारे आ गए सारे लाइब्रिटी आ गए मजे की बात सुनना आपके चेहरे पे स्माइल भी आने चाहिए इनके बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व है ना जितने भी रिजर्व है हम उनको भी लाने की एंट्री करेंगे यानी कि जितने भी इनके बैलेंस शीट में रिजर्व है रिजर्व उनको भी लाने की एंट्री करेंगे और वो भी क्या बुक वैल्यू पे सर रिजर्व क्यों लेकर आओगे अरे हमने कहा ना कि पहले चेहरे पे स्माइल रखो भूल जाओ अब ओल्ड कंपनी को ओल्ड के बारे में कुछ भी सोचोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा यू आर नाउ बींग द अकाउंटेंट ऑफ न्यू कंपनी थिंक ओनली अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ न्यू कंपनी इफ देर इज ए केस ऑफ मर्जर अगर ये मर्जर होता है तो वाट वी डू वी टेक ऑल द आइटम्स अपियरिंग इन द बैलेंस

हम यहाँ पे क्या करते हैं वो आपका सिर्फ ये नाम आता है बिजनेस मर्जर अकाउंट यानी कि हम ओल्ड कंपनी के सारे एफेट्स लाइबिलिटी लेकर आएंगे हम सब कुछ लेकर आएंगे रिजर्व भी लेकर आएंगे लेकिन उनका इक्विटी प्रेफरेंस नहीं क्योंकि 100 परसेंट की श्योरिटी है कि इनका जो मालिक है वो नई कंपनी में नया मालिक बनेगा उनको नई चीजें मिलेंगी बाकी को मिले या ना मिले लेकिन इनको हमेशा नई चीजें मिलेंगी तो हम उसका नाम ना लेकर बिजनेस मर्जर, बिजनेस मर्जर ना? हाँ, बदमाश कैसी बात करती है जो ही डिवेंचर भी लाइविटी है बच्चे सब कुछ लाइबिलिटी है सिर्फ लाइबिलिटी क्या नहीं है इक्विटी एंड प्रेफरेंस इसको छोड़कर सब कुछ लाइविटी होता है सब कुछ लाइबिलिटी होता है हाँ हाँ ठीक बोला इसके वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जैसा लग रहा है वही चीज आपको दिखाई देगा लगभग बट अभी से मत हम उसका अलग से चर्चा करेंगे दूसरा तो तो हमने क्या किया ऑल अस्टेट रिजर्व में ऑल रिजर्व जो हमने लिखा ना बच्चे यहाँ पे आप छोड़ देना ये लाते समय एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट है एक्सेप्ट पता है क्या एक्सेप्ट है आपका जेनरल रिजर्व जेनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब इस रिजर्व सरप्लस में जितने सारे नाम होंगे वो सारे नाम लेकर आऊंगा लेकिन दो नाम हमने छोड़ दिया कौन सा जी जेनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बस दो नाम तीसरा कोई नाम नहीं छोड़ूंगा चाहे कोई भी रिजर्व सबको मैं लेकर आ जाऊंगा और पता मैं क्या करूंगा ये एंट्री अगर बैलेंस हो गई तो ठीक है अगर ये एंट्री बैलेंस हो गई तो ठीक है अगर एंट्री बैलेंस नहीं हुई तो जो नाम छोड़ा था ना हम उसी से क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं यानी कि हम क्या करेंगे जी जनरल रिजर्व सर हम भी लिख लें नहीं बदमाश सुनो और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम ये लिख दिया बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर इसलिए हमने इस नाम को छोड़ा था क्योंकि एंट्री बैलेंस हो गया तो ठीक है नहीं बैलेंस होगा तो जो नाम छोड़ा उसी से क्या करेंगे हम बैलेंस कर देंगे एक तरीके से हम वो चीज भी क्या कर रहे हैं लेके आ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपका इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा भी हम क्वेश्चन में आपको समझाएंगे चिंता ना करना अरे बलराम आप क्यों पहले पहले पूछ रहे बदमाश क्यों पूछा कि सर सेकंड में कोई डिफरेंस आया तो बताया ना मैंने आपको अभी क्यों आगे के बढ़ रहा दिमाग अपने संतोष सर के साथ लेके चलेगा तो बात बनेगी अदरवाइज दिक्कत आपको आएगी तो हमने क्या क्या पहला बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर फर्स्ट एंट्री हो गया दूसरी एंट्री में आपका दिमाग क्या शांत हो के ये चीज देख रहा है कि हज कंपनी में जितने भी ये बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो भी आ रहे हैं उनकी सारी लाइबिलिटी हमारे पास आ रही है उनके बैलेंस शीट में जितने रिजर्व है सब कुछ मैं लेकर आ गया सिर्फ दो नाम छोड़ के जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों छोड़ा अभी उसका रीजन बताऊंगा और फिर टू बिजनेस मर्जर अकाउंट और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उस एंट्री से हम कंप्लीट कर लेंगे बात खत्म ठीक है इसके बाद मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे तीसरी एंट्री में आएंगे तीसरी जो हमारी एंट्री बनेगी ना थर्ड एंट्री वो पता क्या करेगी उस थर्ड एंट्री में ये जो लिक्विडेटर है ना लिक्विडेटर जिनको जिनको जिनके जिनको मैं पैसा पीसी का ताकि वो इनको पेमेंट कर दे, हम लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे हम लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे हमने हज कंपनी के सब कुछ ले लिया और इनको पैसा देंगे कि भैया इनके इक्विटी प्रेफरेंस को लो आप पेमेंट कर दो तो तीसरी एंट्री में ये जो लिक्विडेटर को हमने क्रेडिट किया था उस लिक्विडेटर को हम क्या करेंगे डेबिट कर कर देंगे यानी कि अब इसको खत्म रहे हैं ऑफ ओल्ड कंपनी और यह एंट्री किससे हुआ था पीसी से नाम डेबिट कर देंगे और जो भी कुछ आपने उनको पेमेंट किया होगा जो भी कुछ पेमेंट किया होगा अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होगा तो इक्विटी लिख देंगे अगर आपने उनको प्रेफरेंस दिया होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे अगर आपने कैश दिया होगा तो हम कैश लेंगे जो भी कुछ और एंट्री कंप्लीट हो जाएगी मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या उठ रहा है कि सर जो लिक्विडेटर है अगर ये मर्जर है तब तो पेमेंट सिर्फ हम इक्विटी में करेंगे अगर ये मर्जर है तो पेमेंट सिर्फ इक्विटी में होगा तो प्रेफरेंस और कैश क्यों लिख रहे हो तो मैं थोड़ा सा स्माइल करूंगा और आपको बोलूंगा थोड़ा सा सबर करो ध्यान से सुनो संतोष सर क्या बोल रहे हैं हमने कहा था मेरे बच्चे कि मर्जर के केस में मर्जर के केस में क्या होता है ये जो इक्विटी है ना ये जो इक्विटी है आपका ये जो इक्विटी है ये जो इक्विटी है इनका 90 परसेंट नाइनटी परसेंट लोग एटलीस्ट नई कंपनी में मिलने को तैयार हो और इनको इक्विटी शेयर्स देना जरूरी है मान लो इनका जो बाकी का टेन परसेंट है 10 परसेंट आपका जो लोग मिलने को तैयार नहीं हुए कोई बात नहीं उनका पेमेंट तो हम कैसे भी कर सकते यार हम उनको इक्विटी दे सकते हैं हम उनको कैश दे सकते हैं हमारी मर्जी है जो मिलने को तैयार हुआ उनको हमें इक्विटी देना है जो मिलने को तैयार नहीं हुआ उनको हम कुछ भी दे सकते हैं जाओ मत मिलो लो पैसा लो काम खत्म करो ये जो प्रेफरेंस वाले हम इनको कुछ भी दे सकते हैं तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ऐसे में क्वेश्चन में भी आपको दिखाऊंगा बट दिमाग क्लियर हो कि जो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी है उनको हम क्या करेंगे जी कुछ भी हम दे सकते हैं और पेमेंट करने के हम यहां पे एंट्री करेंगे है ना ये पेमेंट करने की एंट्री करेंगे पहले मैं अब जो हमने यहाँ पे एंट्री आपको दिया हो पहले उस एंट्री को दिखा दू पहले वो तीन एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है वो आपको समझना पड़ेगा ये देखिए आप यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पे जब हम नेचर मर्जर में आते हैं फॉर एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी वही कहा बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर और आप लिख लो ये एंट्री किससे होगा विद द अमाउंट ऑफ पीसी आपका ये आपका पीसी से एंट्री हो रहा है दूसरी एंट्री में फॉर एक्वायरिंग एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी तो हमने क्या किया जितने भी एसेट्स हैं उनको लिया लिख लो नोट्स के नोट के ऊपर ही ये कौन से प्राइस पे आएगा बुक वैल्यू पे है ना ये बुक वैल्यू आपको साथ साथ लिखना मेरा यहाँ पे नोट आपके पास है जितने भी लाइब्रिटी है वो भी कौन से प्राइस पे आ रहा है बुक वैल्यू पे बुक वैल्यू पे ठीक है ऑल रिजर्व लेकर आऊंगा एक्सेप्ट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने बता दिया पे इसको छोड़ के एंड टू बिजनेस मर्जर अकाउंट ये एंट्री हमेशा क्या है पीसी से और ये भी एंट्री क्या हो रहा है जी बुक वैल्यू पे आपका हो रहा है सब कुछ बुक वैल्यू पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ऊपर में चाहे नीचे में हम किससे बैलेंसिंग करेंगे आपका जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कौन सा नाम यूज किया जाएगा उस पर जो केसेज बनेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप चिंता ना करें ठीक है ना ये मैंने आपको बता दिया तो ये हमारा सेकंड एंट्री हो गया और तीसरी एंट्री मेरे बच्चे थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिक्विडेटर का पेमेंट करेंगे तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस टू सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मान लो जो शेयर हमने दिया है टेन का हमने ट्वेल्व के हिसाब से दिया तो वो कुछ भी हम दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो प्रीमियम का नाम आएगा कैश तो टू तो बैंक आ जाएगा ये काम पूरा हो गया तीन एंट्री पहले आप यहां समझ गए अब मैं आपको लेकर आता हूँ परचेज की वो तीन एंट्री ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है इसके बाद उसी बच्च, बच्चे वाली एंट्री आती है यहां तीन हो गया अब मैं यहाँ की बात करता हूँ परचेज में क्या है मेरे बच्चे परचेज में मैं किसी कंपनी को अपने साथ मिला नहीं रहा मैं बड़ा रूड हूं मैं बड़ा रूड हूं मैं परचेज कर रहा हूं सीओसी ने टाटा को परचेज कर लिया सीओसी ने रिलायंस को परचेज कर लिया तो मैं क्या करूंगा परचेज का मतलब भैया मैं आपके बिजनेस को परचेज कर रहा हूं मतलब आपका बिजनेस जो परचेज करने के बाद उठता है ना परचेज करने का तो परचेज में क्या करूंगा एफर्ट्स लायबिलिटी

परचेज केस में इनके बैलेंस शीट में जितने सारे आइटम्स हैं वो सब हमारे पास आएंगे और उस सब में क्या एसेट्स आएगा आएगा हम रिजर्व को लेकर नहीं आते रिजर्व तब जब दोनों को मिलाने की बात होगी जब परचेज का मतलब कि भैया हमने उस कंपनी को परचेज कर लिया तो परचेज क्या होगा उनके एसेट्स होंगे उनके लैबिलिटी होंगे और जरूरी नहीं है कि सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटी होंगे हो सकता है कोई एसेट्स हम छोड़ के आ गए जैसे हम पिछली क्लास में देखे थे कि भैया इन्वेस्टमेंट हम टेक ओवर नहीं करेंगे हम क्रेडिट्स टेक ओवर नहीं करेंगे कोई बात नहीं तो यहाँ पे परचेज में क्या होगा जिन एसेट्स और जिन लाइबिलिटी को आप लेकर आए हो ना बच्चे सिर्फ उसी को आप यहाँ पे लेकर आएंगे ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हमने आपका आ, यहां लिखा था हमने ऑल एसेट्स लिखा था ना बट हमने ऑल नहीं लिखा हमने बोला एसेट्स अकाउंट अब समझ जाना एसेट्स अकाउंट कहने का मतलब कि सारे फिट्स नहीं है हमने जिसको टेक ओवर किया होगा एंट्री में भी दिखाऊंगा जिसको हमने टेक ओवर किया है तो सारे फिट्स और ये कौन से प्राइस पे आएंगे क्या बुक वैल्यू पे नहीं सर मार्केट वैल्यू पे मार्केट वैल्यू कहो चाहे आपका फेयर वैल्यू कहो एक्सेप्ट गुडविल गुडविल को छोड़ कर

बैलेंसिंग फिगर अगर यहां पे डेबिट में आएगा तो हम क्या बोलेंगे गुडविल और बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आए तो हम क्या बोलेंगे कैपिटल कैपिटल रिजर्व पे क्या था <coughs> यहाँ पे ऊपर चाहे नीचे जे, हम जनरजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बैलेंस करेंगे बट यहां पे अगर परचेज केस में ऊपर में आपका आएगा तो गुडविल और नीचे में आएगा तो हम क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व लिखेंगे अगर ये गुडविल आया तो हम एक तरीके से बैलेंस शीट में क्या दिखा रहे हैं एसेट्स और क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है कि ये गुडविल आपका है है क्या क्या yes, ये ये परचेज गुडविल कहा जाता है. हमने क्या किया किसी कंपनी को परचेज किया तो ये बैलेंसिंग आने का मतलब कि हमने कुछ एक्स्ट्रा उनको पे किया है जितने का हम एसे लेकर आए हैं वो हम गुडविल उनके ब्रांड वैल्यू के नाम पे पे करते हैं वो गुडविल निकल गया है क्या किसी को पता है क्या किसी को आप में से पता है ये गुडविल जो हमने यहाँ पे लिखा उसको हम कितने साल में राइट ऑफ करेंगे क्या किसी को पता है कि गुडविल जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो हम कितने साल में इसको राइट ऑफ करेंगे किसी को पता है इसके इसके कहता है फाइव एक चिंग चीफ पता नहीं कैसा नाम लगता है फाइव पांच साल में बचे दस नहीं ये जो गुडविल है ना मतलब आप शायद पढ़े हो मैं यहां की बात कर रहा हूँ कि एस फोर्टीन में जो गुडविल आपका क्रिएट हुआ है वो पांच साल में राइट ऑफ करने के लिए एस फोर्टीन हमें सजेस्ट करता है हाँ वो फिर भी हमें रिलैक्स छोड़ता है कि अगर आपके पास एविडेंस है कि नहीं कई साल तक आप उसको यूज करोगे तो ठीक है आप ज्यादा साल में कर सकते हो अदरवाइज पांच साल में आपको क्या करना राइट ऑफ कर देना वन मार्क का क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू में भैया एस फोर्टीन की गुडविल कितने साल में राइट ऑफ हो जानी चाहिए तो बोल देना की पांच साल आपका ठीक है ना याद रहेगी बात आपको ये सर ऐसे बता दिया मैंने तो अब देखो एंट्री पहला वाला सेम दूसरा वाला एंट्री में फर्क क्या यहाँ पे सारे आए थे बुक वैल्यू पे यहां पे क्या वो एसेट्स जिसको हमने टेक ओवर किया है गुडविल को छोड़ के यहाँ पे गुडविल भी आ गया यहां उसको छोड़ के यहाँ बेलसिक जलेंजर एंड प्रॉफिट लॉस हुआ था यहां गुडविल या कैपिटल से होगा डेबिट में तो गुडविल नीचे तो हो आपका है ना ये एंट्री हमारी निकल के आ गई थर्ड एंट्री क्या है दोनों में बिल्कुल सेम है थर्ड एंट्री जो है मेरे बच्चे ये बिल्कुल सेम है जो पेमेंट करने की एंट्री यहां पे है वही पेमेंट करने की आपकी एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसिज कंपनी बाय द न्यू कंपनी ध्यान से ओल्ड कंपनी लिक्विडेट हुई है ओल्ड कंपनी बंद हुई है और ओल्ड कंपनी जो बंद हुई बच्चे उसपे कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंस था नई कंपनी ने कहा कि चल कोई बात नहीं मैं पे कर दूंगी यानी कि ओल्ड के खर्चे का पेमेंट करने का जिम्मेदारी किसने उठाया न्यू कंपनी ने तो अगर ओल्ड के खर्चे के पेमेंट करने की जिम्मेदारी अगर न्यू कंपनी ने उठाया तो पता नई कंपनी क्या करेगी नई कंपनी ने मेरे बच्चे पेमेंट किया है पेमेंट किया तो टू बैंक हो गया टू बैंक हो गया और ध्यान रखना जिस नाम से आपने इसको बैलेंस किया था ना जिस नाम से आपने इसको बैलेंस किया था इस एंट्री को ये एंट्री हम किससे बैलेंस किए थे जी ये एंट्री हम किससे बैलेंस किए थे जनरलिजर या प्रॉफिट लॉस जिस नाम को भी आपने यहां पे यूज किया होगा वही नाम क्या करेंगे आप यहां भी यूज करेंगे यहां भी यूज करेंगे मतलब एक तरीके से ओल्ड के जो करके साथ होता है, रेगुलर हूं, लेकिन आपको उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उतना इंडेफ्स जाने का क्योंकि एग्जाम आ गया फटाफट खत्म करेंगे कौन नॉलेज लेगा नॉलेज हम बाद में ले लेंगे कभी में बन जाने के बाद है ना तो ये एंट्री निकल के आएगी अगर ओल्ड के खर्चे पे कर रहा हूँ तो लेकिन अगर ये केस हो गया परचेज वाला एंड ओल्ड के खर्चे कोई नई कंपनी पे कर रहा है तो यहाँ भी जब पेमेंट किया तो हमने क्या बोला टू बैंक अकाउंट और यहां पे हम बैलेंस किससे करेंगे जो नाम हमने यहां पे यूज किया था अगर इस एंट्री में गुडविल था तो हम गुडविल यहाँ पे लिखेंगे अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आपने यूज किया था तो उस नाम को लिखेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आपका है ना तो एक्जैक्टली exactly वही नाम वही से एंट्री आ रहा ओल्ड के खर्चे नई कंपनी ने पे किया टू बैंक टू बैंक हम मर्जर में किसको डेबिट करेंगे जेलर या प्रॉफिट लॉस अकाउंट और वहां किसको डेबिट करेंगे जी तो आपका वो आ, क्या नाम था गुडविल या कैपिटल जो भी आपने उस एंट्री में यूज किया होगा ठीक है पांचवी एंट्री पे आइए देखो सब खत्म होने वाला है बिलीव कीजिए पांचवा एंट्री आइए पांचवा एंट्री पांचवे में कहता है कि पेमेंट ऑफ ऑफ एक्सपेंसेस न्यू कंपनी बाय द न्यू कंपनी अभी अभी मान लो जैसे वोडाफोन ने क्या किया हज को लिया तो मेरे बच्चे वोडाफोन जब हज को टेक ओवर करेगा ना तो यहां पे इस प्रोसेस में वोडाफोन को भी कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं इनका भी एक मेडिटर है जो इस काम को कर रहा है यहाँ पे कई सारे वेल्यूशन पे पैसे खर्च कर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं यहाँ पे भी आपका तो नई कंपनी का कोई खर्च है हम उसको बोल देंगे मतलब जो काम अभी कर रहे हो जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर में क्या हुआ खर्च आपका बहुत सिंपल है जब भी ये खर्च होगा तो पेमेंट हुआ टू बैंक या टू बैंक है ना और याद रखना प्रिलिमरी एक्सपेंसिज को बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड नहीं है आप जानते हैं तो हम क्या करेंगे जी कोई भी केस हो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से उसको क्या करेंगे अपना चार्ज करेंगे मेरे खर्चे है ना ओल्ड के तो नहीं है ओल्ड <coughs> का होता तो मैं देखता कि सेकंड एंट्री में क्या नाम यूज किया उससे हम उसको बैलेंस करते हैं लेकिन मेरे ही खर्चे हैं मैं पे कर रहा हूं तो मैं पे करूंगा उसको अपने प्रॉफिट लॉस में क्या करूंगा डेबिट कर दूंगा ये हमारा थर्ड ये पांचवा खत्म हो गया इसके बाद आइए फॉर क्रिएटिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व आपने पढ़ा है आप टैक्स के मास्टर हो आप इंटर में पढ़े हो फाइनल में पढ़े हो या पढ़ रहे होंगे बच्चे टैक्स जो आपके होते हैं ना एक होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब कि कानून के नजर में इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए जो रिजर्व बनाते हो आप जैसे कि मुझे उतना याद नहीं है लेकिन याद कीजिए आपका टी डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट होता था फिर आपका टेलीकोम्युनिकेशन रिजर्व होता था एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व होता था जो आप इनकम टैक्स बनाते थे और कहा जाता था कि ये रिजर्व जितना आप बना लोगे ना हम उस पर लेंगे लेकिन उसके पैसे को अगले तीन साल चार साल पांच साल में आपको खर्च करना अगर आपको याद होगा तो मुझे नहीं याद मैं टैक्स नहीं जानता टैक्स पढ़े मेरे कई वर्ष हो गए लेकिन आपने पढ़ा है बच्चे स्टैचुटरी रिजर्व का मतलब कि इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए हमने कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखा था हमने मतलब किसने ओल्ड कंपनी ने अब उसका क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए आप ये जो आपका मर्जर है उन स्टैट्यूटरी रिजर्व को नई कंपनी अगर क्रिएट करना चाहता है तो यहां पे कोई एंट्री नहीं बनेगा नो एंट्री सर क्यों नहीं बनेगा वो देखो कुछ बच्चों ने शिक्षण भी बताने शुरू हो गए मुझे इतना याद नहीं बच्चे बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए मुझे अब मैं क्या खैर ना मेरे साथ यहाँ पे हमने कहा कि मर्जर में कोई एंट्री पास नहीं करना अरे क्यों नहीं एंट्री पास करूंगा इसलिए नहीं करना मेरे बच्चे क्योंकि आप ओल्ड कंपनी के जितने सारे रिजर्व है ना उन सारे रिजर्व को ऑलरेडी लाने की पहले ही एंट्री कर चुके हो सारे रिजर्व को लाने की पहले ही एंट्री हो चुका है तो हम दोबारा क्यों करेंगे है ना जब हमने ये सेकंड वाली एंट्री की थी तो हज कंपनी के बैलेंस शीट में जितने रिजर्व थे चाहे वो थे चाहे कुछ फ्री थे कुछ नॉन फ्री थे सबको तो लाने की एंट्री कर चुका हूं तो दोबारा अलग से क्या एंट्री करना इसलिए मेरे बच्चे इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करेंगे लेकिन हाँ इनको एंट्री करना पड़ेगा परचेज वाले को अगर कोई टैक्स का बेनिफिट जो ओल्ड कंपनी को यानी कि हज को मिल रहा था और वो टैक्स का बेनिफिट अगर ये नई कंपनी अपने पास लेना चाहती है तो उस रिजर्व को बनाकर इनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है जो उनकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं और उस जिम्मेदारी को उठाने का जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो आपको अपने बैलेंस शीट में वो रिजर्व दिखाने पड़ेगा और आपको ये जो सेक्शन लिख के भेज रहे हो ना बदमाश इसी तो जरूरत नहीं है एग्जाम में साफ साफ शब्दों में कहेगा कि भैया ये जो रिजर्व है ना वो स्टेटूट्री इस है इसको बना लो वो बोलेगा आपको चिंता नहीं करना है ना कि हमें याद रखना पड़े नाम तो जो भी नाम बोलेगा हमने क्या क्या रिजर्व बना दिया और इस एंट्री को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिखा एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हमने क्या लिखा एमलगमेशन एडजस्टमेंट क्योंकि अब एंट्री बैलेंस कैसे होगी बैलेंस तो करना होगा ना तो हमने कहा स्टेटरी रिजर्व क्रेडिट में बना लिया और इसको बैलेंस करने के लिए एक डमी नाम जिसको बोल दिया एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ये काम पूरा हो गया

एमलगमेशन एडजस्टमेंट यहां पे हम दिखाएंगे निगेटिव बैलेंस याद रखना ए का एक खास हिदायत है कि कहीं भूल कर आप ये मत लेना सोच लेना कि आपके संतोष सर बोल रहे हैं कि रिजर्व सरप्लस हेडिंग में स्टेटरी रिजर्व का अमाउंट अंदर लिखा जाएगा एमलगमेशन एडजस्टमेंट यहां से माइनस करेंगे और इसको नील कर देंगे ऐसा नहीं बोल रहा मेरे बच्चे ये मना करते वो वो सेटअप करने के लिए मना करते हैं वो कहते हैं कि भैया इन दोनों को अलग अलग दिखाओ बैलेंस शीट में यानी कि अगर मान लो स्टैट्यूटरी रिजर्व आपका यहां पे फिफ्टी थाउजेंड है तो पूरे आपका जो रिजर्व सरप्लस होगा उसमें फिफ्टी यहां दिखाइए और इसको आपको क्या करना फिफ्टी यहां दिखाना है और निगेटिव बैलेंस कैसे भी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये सेटअप मत कर देना यानी कि इसमें इसको माइनस करके आप आउटर कॉल में मत लेके जाना ये दोनों अलग अलग दिखाए जाते हैं पॉजिटिव बैलेंस और निगेटिव बैलेंस आपका है ना ठीक है ठीक है बच्चों ये कैसे कैसे ये फोटो बना के आप लोग भेज रहे हो हाँ काजल क्या हो गया बदमाश ये कैसे कैसे फोटो बना के भेज रही है थक गई क्या काजल थक गई क्या लड़की आ जा, यहां पे। तो हमने ये भी एंट्री कर दिया ये भी एंट्री कर दिया और फिर मेरे बच्चे लास्ट में फॉर अदर ट्रांजेक्शन में क्या होगा आप तो आप परेशान करो ना मेरे बच्चे ना अदर में आप तो जो देखो ना जिन एसेट लाइबिलिटी को हम लेकर आए लेकर आए लाने के बाद कोई एसेट्स हमने बेच दिया किसी लाइबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया कुछ जैसे था ना पिछली क्लास में और नई कंपनी ने ये पेमेंट कर दिया नई कंपनी ने ये कर दिया जो भी कुछ बोले तो वो क्या करेंगे वो आप उसका एज पर इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन बोलेगा उसको हम क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे एंट्री पास करेंगे बस यही है आपका यहाँ पे एमलगमेशन का को एसेट शो कर सकते हैं एमलगमेशन एडजस्टमेंट शायद पूछ रहे मनीष साहब क्या एमलगमेशन एडजस्टमेंट को हम एसेट शो कर सकते हैं नहीं कर सकते अब अलाउड नहीं है वो आज से तीन चार साल पहले अलाउ होता था अब अलाउड नहीं है स ये, ये शीट में आएगा ना नई कंपनी का रिजर्व सरप्लस हेडिंग के अंदर में आएगा रिजर्व सरप्लस जो आप नोट्स टू अकाउंट में बनाएंगे उसमें क्या करेंगे ए, को आप और जो आपका एमालगमेशन एडजस्टमेंट है क्योंकि इसी को ये कैंसिल करने के लिए है। ये डेबिट वाला आइटम है तो इस साइड लिख रहे हो तो उसको निगेटिव के रूप में दिखा देंगे डेबिट वाले बैलेंस कहा जाते हैं अलाउड नहीं है तो हम यही पे उसको मैनेज करके दिखा देंगे कैसे भी हम क्वेश्चन कराएंगे आप चिंता क्यों करते हो मैं हूं ना भी आपके पास तो इस तरीके से निकल के आया और मेरे बच्चे बस ये नोट भी मैंने दे दिया आपको एमेशन एडजस्टमेंट या एमल एडजस्टमेंट रिजर्व दोनों और लिख लो सेपरेटली कहीं आप वो ना समझ समझना कि निगेटिव बैलेंस का मतलब सर कह रहे हैं कि आप आ, मतलब उसी में मैनेज कर दोगे सेपरेटली हम उसको सेपरेटली दिखाते हैं सेपरेटली निगेटिव बैलेंस दिखाते हैं ठीक ना काम पूरा हो गया तो मेरे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब मैं आपको यहां पे लेकर आऊंगा और एक क्वेश्चन से आपको दोनों तरीके से एंट्री करके दिखाऊंगा कि वो चीजें कैसे निकल के आती है अगर कोई भी सवाल अभी तक आपके दिमाग में है तो बेझिझक मुझसे आप पूछ लीजिए मैं बिल्कुल आपके लिए बैठ जाता हूं एक मिनट के लिए आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा कोई सवाल तो मुझसे पूछ लीजिए कोई सवाल तो मुझसे पूछ लीजिए और जिन बच्चों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सारे नलायक बच्चों को बोलते हैं लाइक कर दो यूट्यूब मुझे फोन करता है, बोलता है कि आपके वीडियो पे लाइक नहीं आते हैं आप नहीं पढ़ाते हो आप बच्चों के साथ मेहनत नहीं करते हो विवेक बहुत बदमाश बच्चा है वो कहता है सर प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन पास एग्जाम मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊं वो सब जानता है और सीधे वो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहां पर रखा है ना मैंने लास्ट क्वेश्चन अपने इसमें वो कहता है कि पहले वही सॉल्व करा दो और समझ भी जाएगा समझ भी जाएगा है ना विवेक विवेकमेंट एंड सरप्लस में निगेटिव आएगा ना हाँ बता दिया ना? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रीटमेंट दोनों में अलग है ना इंडेस और एस का अरे बदमाश एस में हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम ऑनर का पार्ट मानते हैं इंडेक्स पे हम उनको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं आपने इंडेक्स वन पढ़ा बस इतना ही फर्क है सर so, जो आपने वो मार्केट वैल्यू का बोला वो एक बार समझा दीजिए अभी समझाएंगे लड़का यश अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना सर इसमें नहीं है सर कल वाली क्लास का एलेवन क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस

लोगों ने कहा हमने भी कहा कि यार एक बार बदमाशी कैन शूट ने अब नहीं पूछेगा पिछली बार भी पूछ दिया तो अब हम क्या करेंगे एक बार दोबारा करा देते कि हुआ तो ठीक है निखिल गायकवार सर नेट पेमेंट बेसिस पे दिसंबर 2021 पे क्वेश्चन आया था फ्रैक्शन शेयर्स का आया था सर ये आई नो निखिल मैं जानता हूं बच्चे तभी तो सब करा रहा हूं यश 103 का लाइव हो सकता है यश ऑलरेडी 103 सौ तीन का रिविजन लगता है यूट्यूब पे बदमाश देख लेना चलो अब मैं आप लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे मैंने यहाँ सोचा क्या पूछेंगे और पता नहीं कैसे कैसे सवाल आपके आ रहे हैं रविंद्र ये नहीं होता बच्चे अगर अगर लास्ट दो अटेम्प्ट से आया और इस बार नहीं आता तो फिर मैं ये कराता नहीं एक आप कहो तो मैं एक मिनट की छोटी सी कहानी सुना दू अपने बचपन की मेरे साथ जो घटनाएं घटी थी हमारे टाइम पे एक्चुअली घटी थी आप दो मिनट मेरे अगर आप सुने तो आपको अच्छा लगेगा आपका पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा आपसे भी छोटा दिखता था मैं सी ए इंटर की कहानी बता रहा हूं तो हमारे टाइम पे क्या होता था ना बच्चे की एक एक आपके कॉस्टिंग में चैप्टर है एबीसी कॉस्टिंग अगर आपको नाम पता होगा तो तो उस टाइम पे ना हम लोग के पहले एबीसी कॉस्टिंग ना किसी भी बुक में दो लाइन उस पर लिखा होता था बस एबीसी कॉस्टिंग के बारे में एग्जाम में क्या हुआ कि क्वेश्चन चार नंबर का आ गया एक अटेम्प्ट में सी इंटर की बात कर रहा हूँ ग्रुप वन की बात चार नंबर का क्वेश्चन सॉरी दो नंबर का क्वेश्चन आ गया लोगों ने सोचा कि ये क्या है तो हमने कभी सुना नहीं इसके बारे में तो फिर क्या हुआ बोले कि चल एक बार आ गया अगली बार नहीं आएगा अगली बार उसी चैप्टर से चार नंबर का क्वेश्चन आ गया अब लोगों ने यार, फोन से, फिर से आ गया और एबीसी कोशिंग ये क्या है मतलब कि दो लाइन लिखा है क्वेश्चन या कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते थे बट क्योंकि हम पढ़े नहीं है क्योंकि वो चीज होता है हम लोग कभी आता नहीं था तो हमने कहा कि छोड़ वो भी नहीं आएगा एक बार आ गया ना दो और चार का नहीं आएगा अगली बार क्वेश्चन एट मार्क्स का आ गया अब वहां पे लोगों ने क्या किया कि यार मार्क्स का तीन बार आ, आ लगातार चार अटेम्प्ट और फिर क्या हुआ जितने भी ऑथर थे जितने भी बुक्स थे वो एबीसी कोस्टिंग जो दो लाइन हुआ करता था वो एक पूरा चैप्टर बनना शुरू हो गया चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप इस लेवल में आके ऐसा एस्टिमेट मत लगाना कि ये आ गया तो नहीं आएगा मैं बार बार यही कहता हूं <coughs> गौरव कहता सर कैपलेजर का क्या ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में जाएगा बच्चे रिजर्व सरप्लस में कैसी बात कह रहा है जितने भी नाम यहाँ पे आप अभी अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं आपको बैलेंस शीट बना के भी दिखाऊंगा जितने भी नाम आपने इस एंट्री में यूज किए हैं वो सारे नाम क्या होंगे नई कंपनी के बैलेंस शीट में जाके वो ऐड हो जाएंगे और क्या लाख का मशीन पहले से था दो लाख का मशीन और किया, सात लाख रुपए का मशीन हो गया ठीक है आइए संतोष पात्रो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मेरा नाम रखते हैं तो अब देखो यहाँ पे ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आप आइए ट्वेल्थ क्वेश्चन पे और एक ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इंडेस 14 माफ कीजिए मर्जर और परचेज में आपका कैसे कैसे एंट्री पास होगा एक ही क्वेश्चन से बताऊंगा आपको बातें समझ में आएंगी लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बता दो इस क्वेश्चन को पढ़ के बता दो कि ये क्या है सुनिए पहले पढ़िए मेरे साथ बैलेंस शीट कहता है कि हज लिमिटेड का इसमें एसेट्स आपके सिक्सटी लैक्स के हैं इक्विटी शेयर कैपिटल बता रहा है यहां पे रिजर्व है

एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कहता है एक स्टैटूटरी रिजर्व है जो कि अगले तीन साल तक बना के रखना है मतलब उसको बनाने की आपको एंट्री होनी चाहिए वो होना चाहिए आपके पास ठीक है मेक जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीओ सी सीओसी के बुक में आपको एंट्री करना है एज्यूमिंग ये मर्जर है और एज्यूमिंग आपका ये परचेज है मतलब कि हमने तो आपको यह मानते भैया दोनों में बता दो तो इसकी एंट्री क्या बनेगी तो मैं आपको एंट्री दिखाऊंगा लेकिन आपसे पूछता हूं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ कि यह क्वेश्चन को पढ़ के अगर ये दो पॉइंट ना लिखता ये ना लिखता कि क्या करना बोलता कि एक एंट्री तो आप इसको मर्जर मानते कि परचेज मानते बस ये बताइए मुझे बस ये बताइए अपने चैट बॉक्स में कि आप इसको मर्जर मानते कि परचेज मानते यश yes, कहता है कि सर मर्जर मानता चाहत बदमाश बच्ची है कहते हैं कि सर परसेज मानूंगी जो ही भी बदमाश है कहते हैं कि परसे अभिषेक भी कहता है कि परसेज मानेंगे प्रीति एंड सनी सब कहते हैं कि परसेज मानेंगे मैक्सिमम बच्चे इसको परसेज मानना चाहते हैं मैं हैरान हूं कि ऐसा क्यों <coughs> आप लोग बदमाश बच्चे हो पांच आपको पहले चेक करो उसके बाद बताओ कि मर्जर है की परचेज है पहला हमने क्या बोला जी ओल्ड कंपनी के सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी को आप टेक ओवर करोगे क्या कहीं पर किसी एसेट्स को छोड़ने की बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है पहला सेटिस्फाइड पहला सेटिस्फाइड दूसरा आप उसी वैल्यू पर लेकर आएंगे आएंगे जो वैल्यू उनके बुक में अपीयर कर रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे आपको बोल रहा है कि भैया हम एसिट सिलेब्रिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे हमने किया नहीं बता रहा है दूसरा कंडीशन भी पहला सारे को लेकर आएंगे दूसरा बुक वैल्यू पे सेटिसफाइड तीसरा तीसरा कहा था कि आपका बिजनेस को आप डिसकंटिन्यू नहीं करोगे मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में आपको नहीं बताता हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि बिजनेस को आप कॉन्टिन्यू करोगे बिजनेस आप कंटिन्यू करोगे यानी कि बिजनेस यहां पे कंटिन्यू हो रहा है ये तीसरा भी हो गया चौथा कंडीशन चौथे में हमने कहा था कि ओल्ड कंपनी के जितने भी इक्विटी हैं उनका एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट लोग नई कंपनी में आने को तैयार हो जाए यहां मेरे बच्चे सभी लोग आ रहे हैं किसी ने भी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला हम इससे डिसेंड कर रहे हैं डिसेंड मतलब कि हम हम नहीं आना चाहते ऐसा किसी ने नहीं बोला तो सभी लोग हमारे पास आ रहे चौथा भी सेटिस्फाइड हो गया पांचवा जितने लोग नई कंपनी में आने को तैयार हो रहे हैं उन सब का पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के थ्रू करना है और कुछ भी नहीं और हम उनको सिर्फ इक्विटी ही तो दे रहे हैं यहाँ पे पांचवा भी सेटिस्फाइड हो गया तो मुझे बताओ यहाँ पे परसेंज जो बच्चे लिख रहे हैं ये आनंद ये ट्विंकल ये गौशाल नहीं गौशाल ठीक है ये बच्चे आखिर क्यों लिख रहे हैं क्या इनको ऐसा दिख गया कोई हीरा कोई मोती कुछ ऐसा दिख गया कि कहते हैं कि वो आपका आप परचेज है जरा बताओ क्या लॉजिक निकल के आता है अरे मर्जर है बदमाश मर्जर है बैचलर लोन ठीक बोल रहा है मर्जर है रविंद्र कहता है रिजर्व वाला पॉइंट अरे रिजर्व वाला क्या पॉइंट बच्चे स्टैट रिजर्व को बना के रखना है तो हम रखेंगे अब इसकी एंट्री अगर मर्जर के रूप में करेंगे तो हम अलग से एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पहले एंट्री अलाने का हो चुका है और अगर वो परचेज होगा तो परचेज में हम उसकी एंट्री अलग से कर देंगे इसमें क्या दिक्कत है अरे क्या दिक्कत है बदमाश अरे रविंद्र पूछ रहा हूं आपसे क्या दिक्कत है बोलता क्यों नहीं रविंद्र सर वो मिस्टेक टेकन ओवर को देख लो ट्विंकल रुस्तगी क्या बिजनेस ऑफ हश टेकन बाय सीओसी क्या दिक्कत है इसमें है? ठीक बोल रहा अभी कुछ हो गया रविंद्र को तो मेरे बच्चे ये जो है ना ये अगर मुझे सिर्फ कहता है एंट्री पास करो ना तो मैं इसको क्या करता यहाँ पे मर्जर मानते हुए सिर्फ एंट्री करता बट क्वेश्चन ने अगर कह दिया कि नहीं जी आप मुझे बताओ मर्जर में और परचेज में इसकी एंट्री क्या होगा तो हम दोनों में दिखाएंगे सिर्फ एक ही चीज हम मान लेंगे कि पहले वाले में बिजनेस कॉन्टिन्यू होगा और दूसरे में बिजनेस कॉन्टिन्यू नहीं होगा तभी वो मर्जर आपका नहीं रहा है ना तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे हाँ बदमाश देखो मैं अब एंट्री दिखा रहा हूं आपको आइए इस क्वेश्चन को आप सारे बच्चे मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है अगर आपने प्रिंट आउट लिया होगा तो आप उसी प्रिंट आउट फिल में फिल कीजिए या अपने रजिस्टर में फिल कीजिए मैं एंट्री दिखाता हूँ पहले एंट्री दिखाता हूं आपको यहाँ पे वो क्या बोलते हैं आ, मर्जर का पहले एंट्री दिखाते हैं आपको यहाँ पे इसको रखता हूं मैं मर्जर में पहला एंट्री आप आइए फर्स्ट एंट्री मर्जर की फर्स्ट एंट्री क्या निकल के आएगी और जो बच्चा मुझसे पहले करना चाहता है वो करें बहुत अच्छी बात है पहला एंट्री में आप लिखेंगे यहां पे हाथ बैठाना चाह रहा हूं आगे तो मैंने फटाफट बढ़ना है बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड टू हमने कहा लिक्विडेटर लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी कौन है हज लिमिटेड ऑफ हज लिमिटेड ये एंट्री हमेशा विद द अमाउंट ऑफ पीसी होता है पीसी आपका यहां पे कितना बता रहा है याद रखना अगर ये पीसी नहीं दिया होता तो हम पीसी निकालते और पीसी जो निकालते मेरे बच्चे उस निकालते समय कोई भी मेथड अप्लाई हो सकता है हो सकता है कि पीसी निकालने का जो इंफॉर्मेशन हो ना वो आपका नेट इफेक्ट दे दे हो सकता है लेकिन एंट्री करते समय हम क्या करेंगे अपने हिसाब से ठीक है दिखाता हूं मैं आपको पहला एंट्री हो गया दूसरे एंट्री पे आप आइए दूसरे एंट्री में क्या करेंगे उनको आप लेकर आइए और कौन से प्राइस पे जो बुक में दिख रहा है आपका सिक्सटी लैक्स रुपीज सिक्सटी लैक्स लाइवलिटी साइड में क्या दिख रहा है थोड़ा जगह छोड़ के बीच में टू लाइविलिटीज

2 रुपीज आपका एंड टू हम क्या लिखेंगे बिजनेस मर्जर अब इसको बैलेंस करो बैलेंस हो गया तो ठीक अदरवाइज हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका लेंगे बैलेंसिंग ऊपर तो में सिक्सटी आ रहा है नीचे कितना फिफ्टी एट फिफ्टी फिफ्टी एट फिफ्टी तो आपका सिक्सटी लैक्स माइनस फिफ्टी एट फिफ्टी ये आ गया आपका वन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड कोई मुझे बताएगा ये जो वन फिफ्टी आया मैं यहां पे किससे इसको बैलेंस करूं ये वन फिफ्टी जरा बताओ जो आया यहां पे किससे बैलेंस करूं बच्चे ये जो आ, एक बच्चा जो है ना बोलता है कि नहीं सर आ, क्या बोल दिया चलो <coughs> यस जनरल रिजर्व एक बदमाश है विवेक कहता है कैपिटल बदमाश कैपिटल रिजर्व परचेज में होता है यहाँ पे जनरल रिजर्व आपका है और क्योंकि एक ही नाम है जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस तो है नहीं तो हम क्या करेंगे जनरल रिजर्व से इसको बैलेंस कर देंगे और मुझे पता क्या कर रहा है यहाँ पे जनरल रिजर्व रिजर्व को मैं यहाँ पे लिख दू आपके लिए कौन से ल, 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 कलर से इससे आपका वन फिफ्टी ऐसे लिख दिया अब आइए उसके बाद तीसरी हो गया ये तीसरी एंट्री तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे <coughs> तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी यानी कि हच को आप डेबिट कीजिए कितना जी इलेवन फिफ्टी ग्यारह लाख पचास हजार और इसका पेमेंट करने के लिए हम उनको क्या दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एक बार चेक करके बताओ इक्विटी का इश्यू पार पे हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है सर पार पे कहीं प्रीमियम नहीं है ना तो ठीक है बस 1150 फिफ्टी का अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया ये भी हमारा हो गया चौथी एंट्री बताइए अरे पूछ रहा हूँ क्या स्टेटूट्री रिजर्व क्रिएट करने की अलग से एंट्री करनी है नहीं करनी क्योंकि सारे रिजर्व ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे नो एंट्री मैं लिख देता हूं नो एंट्री नो एंट्री फॉर क्रिएटिंग ये आपके रिविजन के लिए एग्जाम इसके जरूरत नहीं लिखने के लिए क्रिएटिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व जो आपके स्टेटूटरी रिजर्व है उनको क्रिएट करने का हम कोई एंट्री यहां पे पास नहीं करेंगे ये भी हो गया <laughs> पांचवा क्या ओल्ड का कोई एक्सपेंस नई कंपनी पे कर रहा है नहीं सर तो एंट्री खत्म हो गया क्या नई का कोई एक्सपेंस हो रहा रहा जो क्वेश्चन बोल नहीं बोल रहा वो भी खत्म हो गया क्या कोई मिसलेनियस एंट्री जिनको हम ले कर आए उनको पे करने का कुछ ऐसा नहीं सर तो वो भी खत्म हो गया बस हमारा हो गया मर्जर का केस खत्म आपका हो गया मर्जर केस खत्म हो गया क्या आप में से हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई सर नरेशन भी लिखनी है लिख देना बदमाश ये क्यों उल्टी सी बात पूछता मुझसे लिख देना नरेशन क्या यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई आपको ये सर क्लियर है लेकिन मैं आपको बता दू अभी आपको क्लियर नहीं है नहीं है मेरे बच्चे जितना आसान आप मर्जर की एंट्री समझे थोड़ा सा उसे टिपिकल है थोड़ा सा टिपिकल है मैं आपको बताता हूँ क्या उस टिपिकल को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ एक्चुअली आपके साथ ये देखो मैं मैं एक बार कलर कुछ ले लू क्या अच्छा सा ये ले लेता हूँ मैं ना यहाँ पे क्या करो ये जो रिजर्व आया ना आपका यहाँ पे ऐसे दो करो स्टार मार्क मैं आपको इस रिजर्व का ना ये जो जो 150 का जो रिजर्व यहां पे बैलेंसिंग फिगर आया है वो एक्चुअली कैसे आया वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ क्योंकि मर्जर में सिर्फ वही गेम है अभी आगे दिखाऊंगा कि बैलेंस आया कैसे वही गेम बस है और कुछ भी नहीं है मैं आपको समझाता हूँ इसका वर्किंग नोट्स में आपको यहाँ दिखाता हूँ लिखेंगे यहां पे आप लिखेंगे जरा बताओ आपका अमाउंट ऑफ सारे बच्चे मुझे बताएंगे और लिखेंगे साथ साथ में अमाउंट ऑफ पीसी कितना बच्चे इस क्वेश्चन में बताइए नई कंपनी मेरे शब्दों को ध्यान सुनना नई कंपनी कितना पेमेंट करने की बात कर रही है इलेवन लैफ फिफ्टी थाउजेंड इलेवन फिफ्टी आपका नई कंपनी कितना पे कर रही है? 11, <laughs> बताओ, आपका पेड ऑफ वैल्यू पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स शेयर्स इन ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी मतलब जिनको हम 1150 फिफ्टी पे कर रहे हैं उनका इनके बैलेंस शीट में पेड ऑफ कितना दिख रहा है किसका इक्विटी का भी इक्विटी का भी और प्रेफरेंस का भी सर छोड़ो ना सर क्यों करा रहे हो हम समझ के बैलेंसिंग फिगर नहीं बदमाश मेरी बात सुनो वो कैसे निकल के आ रहा है वो समझना बहुत जरूरी है ये देखिए अमाउंट ऑफ पीसी हम कितना दे रहे है? पहले क्या करना उसको पता करने के लिए आप पीसी कितना दे रहे हो शब्दों को सुनो, शब्दों को को सुनो नई कंपनी के पेड है, तो आपका अप है 9 ,00 आप बताओ प्रेफरेंस का पेड अप कितना है, है नहीं यहां पे आपका है नहीं तो हमने क्या किया नाइन लाख का अमाउंट नाइन लाख यानी कि जो ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में नाइन लाख था उस नाइन लैक्स के बदले में हम कितना पे कर रहे हैं एलेवन फिफ्टी कितना ज्यादा पे कर रहे हैं टू फिफ्टी हमने आपको ज्यादा पे कर दिया एक्सेस एक्सेस हमने पे किया है पेड ओवर ओवर पेड अप कैपिटल जो आपका पेड अप कैपिटल है पेड अप शेयर कैपिटल हमने उससे ज्यादा आपको कितना पे कर दिया टू सुनना शब्दों को आप बोलोगे कि सर इतना टफ क्यों बना रहे हो मैं समझ गया लेकिन समझना पड़ेगा बच्चे तभी आगे की बात समझ में आएगी आपको है ना ये देखिए आपका तो नई कंपनी कहती है सुनो शब्दों को नई कंपनी कहती है कि भैया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हमने आपको ज्यादा पे किया ज्यादा पे किया तो फिर हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है जरा बताओ कि आपका बैलेंस बैलेंस ऑफ ऑफ जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इन, रिजर इन ओल्ड कंपनी कितना था आप बताइए ओल्ड कंपनी का रिजर्व का बैलेंस कितना था फोर लाख रुपीज लिख दो आप कहना कि देखो जी आपके बैलेंस शीट में फोर लाख रुपीज का रिजर्व था उस फोर लाख में से ढाई लाख रुपए हमने क्या किया आपको पे कर दिया आपके मालिक को पे कर दिया जो फोर लाख का रिजर्व था उस फोर लाख में से टू हमने पे कर दिया आप बोल रहे कि इसमें से हमने क्या किया आपको जो पे कर दिया पेड पेड वो कितना है ये 250. ये 250 250 हमने क्या किया आपको पे कर दिया तो अब 150 का बैलेंस बैलेंस रह रह गया, रह गया और वही मैं यहां पे बहुत मुझ पर गुस्सा आएगा कि सर जब आराम से बैलेंसिंग फिगर से 150 निकल सकता है तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों खड़ा करूं मैं क्यों एग्जाम में इतना एक्सपेरिमेंट करूं इस क्वेश्चन में मत करना

लेकिन मेरे बच्चे अगर आपके पास दो नाम हो चाहिए तो फिर पता क्या करेंगे बिल्कुल आप बोल रहा कि भैया नई कंपनी के एंगल सोचना ओल्ड कंपनी के एंगल से नहीं कहीं नहीं नई कंपनी कहती है हम आपको एलेवन फिफ्टी पे कर रहे हैं लेकिन जो आपका कैपिटल बैलेंस शीट में वो सिर्फ नाइन लैक्स ,00 है तो कैपिटल से ज्यादा मैं कितना पे कर रहा हूं टू ज्यादा क्यों पे करूंगा आपके रिजर्व के चलते जो रिजर्व का पैसा पड़ा हुआ है उसमें से कुछ हमने आपको पे कर दिया कुछ हमारे पास रह जाएंगे तो हमने कहा कि जो फोर लैख आपका रिजर्व है उसमें से ढाई लाख हमने पे कर दिया बच गया वही बैलेंस हम पे कैरी कर रहे हैं बात आपको मेरी समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं प्लीज बताए बात समझ में आ रही बच्चे मैंने क्या बताया जल्दी बताए आप आप नहीं बोलोगे सर yes, क्योंकि यहां कुछ बड़ी बात थोड़े बताया अरे ये बात पता नहीं लोगों को बड़ी क्यों लगती है बट बहुत सिंपल बात है आपका ये नाउ कम टू हेयर अब मैं परचेज की एंट्री कर देता हूँ परचेज में इतना सोचना ही नहीं यार यारचेज में नहीं सोचना परचेज में हम पहले एंट्री क्या करेंगे जल्दी से मेरे साथ एंट्री कीजिए एक बच्चा बोला था ना अभी मुझे कि सर छोड़ दो मैं कर लूंगा मुझे पता तक नहीं होगा आपको अभी मेरी जरूरत है है ना पहला यहाँ पे आइए फर्स्ट हम पहला एंट्री यहां पे क्या इतना मोटा मोटा क्यों हो जा रहा है ये पहला एंट्री क्या करेंगे जी तो यहां बोलेंगे बिजनेस बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ हच और ये एंट्री कितने से होगा 1150 1150 दूसरी एंट्री में ध्यान रखना ये तो सारे बुक वैल्यू पे आए थे यहां पे मार्केट वैल्यू पे आएगा क्योंकि मार्केट वैल्यू अलग से नहीं बता रहा तो हम यही लिख देंगे तो उनके जो एसेट्स हैं हमने लेकर आए यहाँ पे कितना में सिक्सटी लैक्स में थोड़ा जगह छोड़ के हम उनकी लाइविटी भी लेकर आए हैं लाइविटीज भी लेकर आए हैं कितने में फोर्टी फाइव में फोर्टी फाइव में याद रखना एसेट्स आएगा हाँ लाइविटी आएगा रिजर्व यहां पर नहीं आता मेरे बच्चे वाली एंट्री का 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 ठीक है ना? अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा मुझे बता दो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रहा है अगर ऊपर में बैलेंसिंग फिगर आया तो कह देंगे बच्चे गुडविल है नीचे तो बोल दूंगा कैपिटल कोई कलकुले करना बस यहीं पर आपका निकल के आ जाएगा बताइए क्या निकल के आएगा 60 में से माइनस कर दो फिफ्टी सिक्स में गुडविल तो होता है तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया ठीक है तीसरी एंट्री मेरे बच्चे लिख दो यहाँ पे बिल्कुल सेम एंट्री कि सेम एंट्री रिपीट होने वाली है यही एंट्री आपका हो जाएगा मैं वो क्यों करूं क्यों टाइम वेस्ट करूं तीसरा एंट्री सेम, चौथी एंट्री ध्यान दीजिए यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं हुआ बट जो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट है स्टेटूटरी रिजर्व उसको क्रिएट करने की यहाँ पे एंट्री करनी होगी और आप क्या बोलेंगे एमएल एलग एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट कितना मेरे बच्चे <coughs> कितने का था टू लैक्स का ना तो हम टू लैक्स से क्या करेंगे ये एंट्री को पास कर देंगे हो गया हमारा परचेज का भी एंट्री कोई दिक्कत इसके अंदर में नहीं सर हाँ जी प्लीज कॉपी करें इसको आप निकल गया हमारा सारा गेम मर्जर में सिर्फ इस पॉइंट को लेकर होता है जो बच्चा इसको समझ में आ गया जो एक्चुअली ये समझ लिया उसका गेम खत्म है आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो बच्चे आगे बढ़ो एक बार बता दीजिए मुझे आगे बढ़ो क्या मैं इस क्वेश्चन पे अब आऊ <coughs> इस पे आ, बिजनेस मर्जर को परचेज कंसेशन बिजनेस मर्जर को मर्जर को परचेज कंसेशन कैसे लिख सकते बदमाश बिजनेस मर्जर को बिजनेस परचेज लिख सकते हो आप बट क्यों लिखोगे जो अच्छा वर्ड मैंने दिया तो वो लिखो ना आप आइए यश कम क्वेश्चन <coughs> अब यहां से हम आगे थोड़ा सा और मैंने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया और कहा कि एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं और वही रिजर्व आपको समझाना कुछ भी नहीं मुझे ये देखिए बैलेंस शीट एक्सम का एसेट से आपका इस साइड में अगर आप देखेंगे मेरे साथ तो इक्विटी शेयर कैपिटल है बच्चे फिफ्टीन लैक्स का अमाउंट फिफ्टीन <coughs> लैक्स का अमाउंट यहाँ पे हमारे पास क्या है जी तो आपका रिजर्व uh, है जनरल रिजर्व एट लैक्स का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है एक्सपोर्ट प्रॉफिट है कि आपको मेंटेन करना है अगले तीन साल तक के लिए बोलता बताओ एंट्री अब मुझे सारे बच्चे प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे सही जवाब दें मुझे बताइए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में ये मर्जर है कि परचेज है और ट्विंकल रुस्तगी अभी देखूंगा बदमाश ईमानदारी से बताना कि आपने सही क्या गलत क्योंकि यहां पे वो गेम अभी देखता हूँ कैसे सोल्व कर लिया लड़की मेरा जाने बगैर ये कि है कि परचेज है जा मैं चाहता था बच्चे जैसे सब कुछ दिया ये भी दे देता दे लेकिन समझो ना मेरी मजबूरी जो चीज इंस्टीट्यूट जो आपके सिलेबस में ही नहीं है आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट को देखें ये इस सिलेबस में है ही नहीं तो मैं कैसे क्लास दे देता दे आपको कितना पढ़ोगे आप क्या पूरा सब कुछ पूरा थोड़े पढ़ जाओगे आपका भी एक लिमिट होता है तो वही चीज होता है, जो आपके के है लेकिन जब उन्होंने किया तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए थोड़े कर रहा रहा अपने थोड़े को आपके लिए हाँ गुड सारे बच्चे सही है इट्स ए मर्जर इट्स मर्जर और इट्स मर्जर आपका <laughs> तो अब यहाँ पे क्या होता मर्जर है अब देखिए मैंने इसकी एंट्री करनी है मैंने एंट्री करके भी दिया था कि टाइम वेस्ट ना हो लेकिन अब आपको पहले वो चीज समझना होगा मेरे साथ देखिए मैंने क्या किया पहली एंट्री में, में बच्चे <coughs> सॉरी फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया यहाँ पे एक तो वही बिजनेस मर्जर टू आपका दूसरी एंट्री में वही एक एसेट्स लेकर आया लाइविटी एक्सपोर्ट आपका मर्जर किया आपका और ये देखो यहाँ पे हमने याद कीजिए हमने दो नाम छुड़वाया था जनरल एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो हमने क्या किया इसका जो बैलेंसिंग किया ना उसमें लिखा टू जनरल जेनर और हमने बैलेंसिंग लिखा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट दो नाम ये नाम कैसे निकल के आए थ्री लैक्स टू लैक्स ये बात आपको समझना पड़ेगा ये बात समझना होगा कि जनरल जेनरलिजर का थ्री लैक्स टू लैक्स मैंने कैसे लिख दिया क्योंकि हमें यहां दिख रहा है में आपका एट लैक्स रुपीज है और प्रॉफिट लॉस में टू लैक्स है तो हमने बैलेंसिंग आखिर कोई एक ही नाम क्यों नहीं यूज किया और हमने दोनों अगर यूज किया तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको मेरे साथ समझना होगा आइए मैं वही बात आपको यहाँ पे समझा रहा हूं ये वर्किंग नोट्स का जो जगह दिया या तो आप वहां कर लीजिए या फिर कहीं भी आपको मेरे साथ यहाँ पे अब करना पड़ेगा <coughs> लीजिए मैं आपको बताता हूं देखो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में इधर दिखा रहा हूं आपको वर्किंग नोट्स मैं ब्लैक ले लेता हूं ताकि विजिबल रहेगा वर्किंग नोट्स नंबर वन आपका ठीक है हमेशा आप, पहले क्या करो आप देखो यहाँ पे अमाउंट अमाउंट ऑफ पीसी बताइए इस क्वेश्चन में पीसी कितना है आपका ट्वेंटी लैक्स लिखो ये ये वर्किंग आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा अमाउंट ऑफ पीसी आपका ट्वेंटी लैक्स है आप मुझे बताओ पेड अप पेड अप शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल और मेरे शब्दों को सुनते रहना पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओल्ड कंपनी ओल्ड कौन है एक्स लिमिटेड एक लिमिटेड के बैलेंस शीट में बताइए पेड अप कितना है पेड अप का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैं पूरी चीज लिख रहा हूं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो इक्विटी कितना दिख रहा है <laughs> 15 लाख कम आउट और प्रेफरेंस कितना है नील तो ये कितना हो गया आपका 15 लाख तो मुझे बताओ कि आपने जो उनके बैलेंस शीट में जो पेड ऑफ कैपिटल फिफ्टीन लैक्स था पंद्रह लाख के बदले में उनको आपने ट्वेंटी किया है तो आपने एक्सेस उनको कितना पे किया ओवर एंड देयर पेड कैपिटल कितना पे किया हमने हमने जो एक्सेस मेरे बच्चे पे किया है वो कितना पे किया है आपका फाइव लैक्स अमाउंट यहां तो कोई डाउट आपको नहीं सर फाइव लैक्स अमाउंट पे किया है अब मेरे बच्चे वर्किंग नंबर टू में आप क्या करना <laughs> कि आपके पास दो नाम है ना इस बार तो एक नाम पहले क्या करो यहां लिखो जनरल रिजर्व रिजर्व और दूसरा नाम प्रॉफिट लॉस अकाउंट दो ही नाम इसके जितने भी रिजर्व होंगे ना कोई भी दूसरा होगा तो सबका पहले लाने के हम एंट्री कर जाते हैं तो ये दो नाम लिखे अब जरा बताओ इन दोनों का बैलेंस इन आपका एक लिमिटेड यानी कि ओल्ड कंपनी में कितना कितना बता रहा है बैलेंस शीट में तो जनरल रिजर्व का बैलेंस बता रहा है एट लाख रुपए

एक्सेस जो आपने पे किया है उसको हम क्या करेंगे यहां से एडजस्ट करेंगे और एडजस्टमेंट करते समय हमें एस फोर्टीन सजेस्ट करता है कि पहले क्या करो रिजर्व से एडजस्ट करो और फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल जरूर लेकर आना कि यहाँ पे हमारा एस क्या करता है जी कि जो भी हमने एक्सेस पे किया ना ये एक्सेस हमने क्या पे किया उनका हमने रिजर्व का कुछ पेमेंट कर दिया शेयर होल्डर्स को तो कौन से रिजर्व को हमने पे कर दिया वी ऑलवेज एज्यूम कि पहले जनरल रिजर्व फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ठीक है ना तो हम क्या मानेंगे <laughs> ये फाइव लैक्स क्या, क्या क्या हमने इसमें से पे कर दिया इसमें से पे कर दिया और अगर आपने इसमें से पे किया तो यहां से तो कोई पेमेंट हुआ नहीं है यानी कि जो बैलेंस 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 जो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा कैरी फॉरवर्ड इन न्यू कंपनी न्यू कंपनी में इनका जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितना मेरे बच्चे थ्री लैक्स आपका इनका और इनका कितना जी टू लैख का अमाउंट दो लाख रुपए का अमाउंट वही थ्री एंड टू को यहां पे लाने की मैंने एंट्री की है <laughs> पता नहीं आज गला क्या हो रहा है कोई डाउट इसके अंदर में कोई डाउट मेरे बच्चे अरे कोई डाउट बदमाश बोल दो जल्दी मैं सुनना चाहता हूं यश कहता है सर वापस एक बार अरे यश आपने विश्वास कुछ है नहीं इसके अंदर में आपने क्या किया उनका जो पीसी है ट्वेंटी लैक्स है पेड अप कैपिटल पंद्रह लाख है पांच लाख रुपए ज्यादा पे किया दो नाम हमने अभी तक टेक ओवर नहीं किया था रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिजर्व इनके बैलेंस का दिख रहा है, पहले ये खत्म हो जाता तो फिर हम यहां मानते हैं एट में फाइव पे कर दिया तो थ्री लैक्स ये बच गया टू लैक्स ये बच गया वही थ्री एंड टू को हम लेकर आ गए क्या है बदमाश गुड लड़की ट्विंकल बहुत अच्छी लड़की है अगर आपने ऐसे ही किया है तो और इसके बाद बाद ये 13 के फिर से इसमें जो अगला केस बन सकता है मेरे बच्चे उसके लिए हमारा क्वेश्चन जितने बन सकते हैं ना वो सब मैं समझा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है परेशान ना हो ट्वेंटी फोर देखिए आप एज्यूम इन द प्रीवियस क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में आप एज्यूम करें बस आपका पीसी कितना है जी यहाँ पे ट्वेंटी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड पिछले क्वेश्चन में कितना था 20 था अब कितना हो गया 2450 तो पहली एंट्री सेम दूसरी एंट्री सेम अब ये ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा कितना वो हमें कैसे निकल के आएगा हम उसके बारे में आपको समझा रहे हैं और इसको समझाने के लिए वही काम बताइए जल्दी से यहां वर्किंग नोट आपका सारे बच्चे मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे इस बार अमाउंट ऑफ पीसी कितना है अमाउंट ऑफ पीसी कितना है अमाउंट ऑफ पीसी कितना है ट्वेंटी गुड आप बताइए पेड अप शेयर कैपिटल कितना है पेड अप शेयर कैपिटल कितना है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का पेड अप कितना था 15 था आई थिंक ना लाख रुपए पंद्रह था ना बच्चे <coughs> <coughs> ही था ना बताओ ना बताओ मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन को ये फिफ्टीन लैक्स का अमाउंट तो हमने यहाँ पे क्या किया जी एक्सेस कितना पे किया उनको एक्सेस पेड आपका कितना पे किया हमने तो आपका यहाँ पे नाइन लैख फिफ्टी था ये 950 हमें एडजस्ट करना है दूसरे वाले में आपने क्या क्या जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस यहां लिख दिया रिजर्व ,00 का बैलेंस उन्होंने का अमाउंट अमाउंट दिया हुआ है 8 ,00 का जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में है बैलेंस इन बैलेंस शीट वो कितना है एट और यहां कितना है जी वन फिफ्टी एक लाख पचास हजार रुपए अब जो बैलेंस आपका ये अमाउंट दे रहा है ये जो आपका रिजर्व का और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का इसमें से जो हमने एक्सेस पे किया उसका एडजस्टमेंट कीजिए एक्सेस पेड आपका पेड कितना अमाउंट था 950 तो हम मानेंगे कि ये एट पूरा पे हो गया तो ये बैलेंस तो अब नहीं आएगा नील हो चुका आपका यहां पे और इसमें से अरे दो लाख था ये ना ये दो लाख का अमाउंट था इसमें सबने कितना पे कर दिया वन फिफ्टी का अमाउंट तो कितना बच गया फिफ्टी थाउजेंड का अमाउंट यानी कि जो न्यू कंपनी है वो रिजर्व को कितने पे लेकर आएगी नील यानी कि नहीं लेकर आएगी और ये कितने फिफ्टी पे वही एंट्री मैंने दिखाया है सर क्या एग्जाम में जनरल रिजर्व हमें नील लिखना होगा आप चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो नील के कोई एंट्री होता नहीं इसका मतलब कुछ भी नहीं है हाँ आपको ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फिफ्टी लिखना होगा कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी उल्टा सीधा काम करेगा तो मार्क्स खट कट जाएंगे इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे ये बहुत प्यारा पॉइंट है इसी पे पूरा का पूरा आपका चीज दिखा बाकी कुछ इसमें है ही नहीं एक्चुअली कुछ भी नहीं है सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है एक और केस मैंने ले लिया कि अगर मान लो पे पीसी हो जाता है ये लास्ट केस बनता है आपका फोर्टीन लैक्स तो हम क्या करेंगे सेम क्वेश्चन में तो हमने कहा कि देखो जी वर्किंग नोट्स में साथ साथ मेरे कीजिए साथ साथ कीजिए वर्किंग नोट्स के अंदर में अगेन अमाउंट ऑफ पीसी नई कंपनी का एंगल सोचना पीसी कितना है फोर्टीन लैक्स फोर्टीन लैक्स और आपका पेड़ अप आप शेयर कैपिटल कितना है पेड़ अप शेयर कैपिटल कितना है आपका फिफ्टीन लैक्स अरे अरे एक मिनट एक मिनट यहां देखो यहां देखो नई कंपनी फिफ्टीन लैक्स के बदले में अगर फोर्टीन लैक्स का पेमेंट कर रही है तो नई कंपनी ज्यादा पे कर रही है कि कम पे कर रही है बोलो बोलो उनका जो पेड अप कैपिटल है ये फोर्टीन था और पे सॉरी फिफ्टीन था हम पे कर रहे हैं फोर्टीन पीसी तो हम ज्यादा कम कम पे कर रहे हैं यानी कि वन लाख रुपए जो है ना बचे ये वन लाख रुपीज आपका ये ये आपका एक्स्ट्रा नहीं पे हुआ सरप्लस नहीं पे किया ये हमने शॉर्ट पे किया शॉर्ट पेमेंट और इस शॉर्ट पेमेंट से नई कंपनी को क्या हो जाएगा जी गेन हो जाएगा नई कंपनी को गेन टू न्यू कंपनी हो जाएगा हो जाएगा ना क्योंकि हमने कम पे किया और जब हमने कम पे किया तो गेन को हम कहा एडजस्ट करें तो फिर से हमने क्या किया वही काम लिखा जनरल रिजर्व और दूसरा हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताइए बैलेंस बैलेंस इन आपका एक लिमिटेड इनका कितना कितना था रिजर्व का बैलेंस कितना था जी रिजर्व का बैलेंस एट लैक्स रुपये और ये कितना था टू लैक्स ये पहले से था तो हमने क्या इनमें से कुछ उनको पे किया, नहीं पे किया किया। नहीं उनका जो कैपिटल है उससे भी कम पे किया। तो ये एक लाख रुपए जो कंपनी को गेन हो गया ये गेन भी मेरे बच्चे वो इसी नाम से दिखाएंगे और कोई नाम अलाउड नहीं इनको लिखना तो अब ये एक लाख रुपए गेन किसमें मानू रिजर्व में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो मेरे बच्चे मैं यही बोलना चाहता हूं कि जिस सीक्वेंस में आपने लॉस को मैनस किया था उसी सीक्वेंस में आपको गेन भी ऐड करना है इसका मतलब इसमें ऐड कर देंगे इसमें तो जनरल रिजर्व आपका नाइन लैख्स रुपीज पे आएगा और आपका प्रॉफिट लॉस कितने पे आएगा जी टू लैक्स रुपीज पे और वही हमने यहां पे एंट्री को दिया है आपका ठीक है बच्चों <laughs> ट्विंकल कहते लाख पैंतीस हजार बनता है वैसे इक्विटी ट्विंकल बदमाशी नहीं करेगी अरे ओल्ड कंपनी के जितने भी इक्विटी है नंबर तो की बात कर रहे हैं आप कुछ कुछ से बात कर रही है खरी हो गया <coughs> अब मैं आपको शायद अब मैं बड़े क्वेश्चन पे लेके आ सकता हूं वंस नाउ वी नो ऑल द क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं कुछ सवाल तो मुझसे बोल दीजिए मैं सुन के फिर आगे बढ़ूंगा कोई सवाल अखिल लंच अरे बदमाश संडे है मैं अभी एक घंटे क्लास लूंगा उसके बाद फिर जाऊंगा घर मेरे बच्चे हैं मेरे घर में जाके खूब सारे मस्ती करना है <coughs> कैसे आप सभी क्या हाल चला आपके कैसे आप सभी क्या हाल चला आप सबके? क्या आगे बढ़ू क्या हो गया गले को आज सर प्रॉफिट लॉस में ऐड करेंगे या नहीं प्रॉफिट लॉस में क्यों ऐड करेगा बदमाश अगर रिजर्व आपके पास नहीं होता मान लो जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पे रिजर्व नहीं होता सिर्फ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस होता तो प्रॉफिट लॉस में ऐड करता ये तब की कहानी है जब दो नाम है अगर एक ही नाम रहेगा एक ही नाम तो तो सारा प्लस माइनस उसी में करना है <laughs> अगर बैलेंस शीट में एक ही नाम रहेगा बच्चों तब तो, तो उसी में प्लस माइनस करना जब दोनों नाम देगा तब की कहानी समझा रहा हूं <laughs> हा थिंक बिग थिंक बिग आपका ओरिजिनल नाम क्या बच्चे थिंक बिग आगे बढूं आगे बढो जल्दी बताइए ये yes, यश yes, मुझे भी आपसे मिलना है जिस दिन सीए में बन जाएगा मैं आपको उसी दिन फोन करूंगा कि यश yes, मुझे आपसे मिलना है और मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आऊंगा मिलने के लिए <coughs> प्रिया कहती है कि सर कैसे टैकल करें बोध ग्रुप टैकल करना बचे कोई स्ट्रेटजी किसी को बता नहीं सकता बट थोड़ा सा आपको मैं बता दूं एक ही तरीका होता है टैकल करने का दोनों ग्रुप जब भी दे रहे हैं तो पहले एक ग्रुप पे जबरदस्त कमांड फिर दूसरे ग्रुप की तैयारी दोनों ग्रुप की तैयारी एक साथ नहीं होती है और बाकी अगर आप उस पर करेंगे तो फिर बहुत लंबा डिस्कशन चल जाएगा मैं चाहता नहीं ठीक है ना आगे बढ़े बच्चे जल्दी बताइए आगे बढ़ू आगे बढ़ू जल्दी बता दो एक बार आगे बढ़ू मैं Yes, ये फिर अब देखो जितने बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जितना बड़ा समझो कि उतने मार्क्स आपके फ्री के हैं देखो अब आपको मैं यहाँ देखता दिखाता हूं ये क्वेश्चन आपका है बहुत पहले आपके एग्जाम में आया भी है 2001 बहुत पहले का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ मैंने उठा लिया यहाँ पे मुझे अच्छा लगा और अगर इस बार का अगर जो पिछला अटेम्प्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा अगर आपने देखा होगा तो मोर और लेस आपका ये वही क्वेश्चन आपको दिखेगा ऐसे में वो क्वेश्चन भी है मेरा बुक का अभी ट्वेंटी सिक्स नंबर है शायद आपको इसी स्टडी मेट में बट <coughs> ये वो क्वेश्चन आपका है जो थोड़ा सा बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन अंडर इस बैलेंस शीट में आपको कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है ये कैपिटल है, जनरल रिजर्व आपका बता रहा है वन ट्वेंटी सिक्योरिटी प्रॉफिट लॉस है ठीक है। गुडविल है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक बैंक कहता है नीचे में <coughs> कहता है मेरे बच्चे यहां पढ़ेंगे आप अभी आंसर ना देखें हम यहां देखेंगे ओहो कहा कि <coughs> न्यू कंपनी पीक्यू लिमिटेड कियापिटल ऑफ फिफ्टीन लैक्स नई कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कोई काम करनी होता बस यहाँ पे एक आपको हेल्प मिल जाता है जानने का नई कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है दस रुपए और कोई काम करनी Terms condition, <laughs> business of P P Limited Limited was considered 11 .50. 11 ,50 PC और जो company ka थाउजेंड फाइव 57,500 इक्विटी shares 20 रुपीज के हम उनको क्या करेंगे इसका पेमेंट करेंगे हमारे शेयर का फीस वैल्यू दस रुपए है हम ट्वेंटी के हिसाब से दे रहे हैं इसका मतलब यहां पे क्या निकल के आ गया आपका

अगर ओल्ड कंपनी के एक्सपेंसेज पे करती है तो आपको मैंने एंट्री बता दिया है मर्जर होगा तो जर या प्रॉफिट लॉस जिससे बैलेंस किया होगा हम वही नाम लिखेंगे और अगर आपका वो परचेज होगा तो गुडविल या कैपिटल एंट्री करेंगे दिखाऊंगा अभी मैं <laughs> फिर कहता है ट्वेल्व थाउजेंड इक्विटी शेयर इन पी क्यू लिमिटेड इश्यू किया गया पब्लिक को यह मिसलेनियस एंट्री है इसको मर्जर से मतलब नहीं है नई कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट उसने और शेयर इंस्ट्रक्शन गिवेन इन क्वेश्चन जो बोलेगा और एंट्री कर लेंगे बोलता है कि एंट्रीज करें इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी मतलब नई कंपनी के बुक में एंट्री पूछता है एंड प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट फॉलोइंग एस फोर्टीन इन द नेचर ऑफ मर्जर लो इस बदमाश ने आपको बोल दिया कि भैया नेचर ऑफ मर्जर मानते हुए एंट्री कीजिए लेकिन मेरे बच्चे जरा बताओ अगर ये नेचर ऑफ मर्जर की बात ना करता यहाँ पे तो बताओ ये मर्जर है कि परचेज है बताइए अगर यहाँ पे अगर ये ना बोलता कि मर्जर है कि परचेज तो आप इसको क्या मानते मर्जर मानते कि परचेज मानते एक बार मुझे बताएं आप क्या मानते इसको क्वेश्चन पढ़ के बताइए एग्जाम में अगर ये ना बोलता तो ये मर्जर है कि परचेज है ये तब भी मर्जर है तब भी मर्जर है क्योंकि हम जानते हैं पांच बातें ऑल एसे का टेक ओवर होना चाहिए ये हो रहा है क्या आपका बुक वैल्यू पे ये हो रहा है क्या आपका बिजनेस कंटिन्यू होगा नहीं बताएगा तो कंटिन्यू होगा चौथा 90 परसेंट इक्विटी मिलने को तैयार हो सभी लोग मिल रहे कोई डिसेंट नहीं कर रहा है पांचवा आपका जो भी मिलेगा उसका पेमेंट इक्विटी से होना चाहिए सबका पेमेंट इक्विटी में हो रहा है इट्स मर्जर और बस मर्जर और बस मर्जर एंट्री कर लो हमने क्या किया मेरे बच्चे यहाँ पे एंट्री कर दिया आपका टाइम सेव करने के लिए आप इसको देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया दो कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूँ ना ये एंट्री किसके बुक में हो रहा है आपका तो यहां पे क्या करेगा एंट्री कर रहा है यानी कि नई कंपनी के बुक में दो कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं पहले एक को ले लूंगा फिर दूसरे को ले लूंगा दोनों को अलग अलग समझते हुए कि दो कंपनी का टेक ओवर हो रहा है पहले पी को लेने की एंट्री किया बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर आपका 1150 सारे एसेट सारी लाइबिलिटी में इनका लेकर आया सब कुछ लेकर आया लेकिन हमने क्या किया छोड़ दिया आपका उनका रिजर्व कौन सा रिजर्व छोड़ दूंगा तो आपको पता <coughs> रिजर्व कौन सा छोड़ेंगे जी हम दो रिजर्व छोड़ेंगे यहां पे आपका, दो रिजर। एक तो आपका इनका छोड़ेंगे जनरल रिजर्व जो कि अमाउंट कितना है वन ट्वेंटी का और हम छोड़ेंगे इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो अमाउंट आपका एटी का है इसको छोड़ के बाकी सारे रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम ये वो सब नाम आ जाएंगे सारे नाम आ जाएंगे तो हमने क्या किया पहले उनको लिया है ना उनको लेकर हम आए और फिर देखा कि भैया अब हमें बैलेंसिंग किससे करना है तो देखो एक चीज बता दूं अगर आपका बैलेंसिंग किससे करना है है उससे देखना है। और अगर डेबिट में ऊपर में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा ऊपर में तो कन्फर्म्ड है हमेशा ऊपर में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही बैलेंस करना होगा ऊपर में आने का मतलब हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्योंकि जनरल जन आपका खत्म हो चुका होगा अगर आपको फटाफट करने का मन कर रहा है तो जब नीचे आएगा तब सोचना होता है कि क्या नाम लिखो क्या ना लिखो ऊपर में आएगा तो हमेशा प्रॉफिट लॉस फिर भी मैं आपको प्रूफ कर देता हूं कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका 50, कैसे निकल के आया है तो मैं प्रूफ कर देता हूं तो हमने क्या बोला वन ट्वेंटी यानी कि हमने कहा कि भैया इनका क्या है जी वन यानी कि जनरल रिजर्व हमने कहा जनरल रिजर्व आपका वन है एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है जी हमारा 80 है यहां पे 80 है ठीक ना जल्दी बताइए पीसी कितना था 1150 1150 इनका पीसी था मुझे बताइए जल्दी से इनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है फाइव प्लस फोर नाइन लैक्स रुपीज देख रहे हो आप यहां पे सिर्फ आपका दो नाम इक्विटी प्लस नाइन लाख रुपए तो हमने क्या क्या कहा कि एलेवन में नाइन लैक्स हटा दीजिए तो टू हम ज्यादा पे कर रहे हैं टू फिफ्टी में क्या किया ये वन ट्वेंटी आपका ये पे हो गया ये खत्म ये खत्मी भी आपका खत्म हो गया जी खत्म हो गया इसके बाद भी ऊपर आएगा तो यही नाम आगे ऊपर बढ़ते चला जाता है यानी कि प्रॉफिट लॉस डेबिट से बैलेंस होगा बात खत्म हो गई है ना तो वही चीज आपका इसलिए बोल दिया कि ऊपर जब भी आएगा तो प्रॉफिट लॉस ही आएगा वो कैलकुलेशन चेक करने का कोई मतलब भी आपको नहीं बनता है नीचे जब आएगा तब, आएगा तब आपको देखना होगा कौन सा नाम लिखना है आपको कोई डाउट उसमें नहीं सर फिर तीसरी एंट्री में हमने क्या किया जी लिक्विडेटर का पेमेंट कर दिया चौथी एंट्री में हमने जो नई कंपनी के खर्चे नई का था कि ओल्ड का था एक मिनट गलती लिखा मैंने एक्सपेंस ऑफ ओल्ड ओहो, ओल्ड कंपनी कंपनी तो ओल्ड के खर्चे हमने पे किए तो ठीक है हमने यहां पे बैलेंसिंग किससे किया था प्रॉफिट लॉस से ना हमने कहा था जिसका नाम यहाँ पे लिखोगे उसी से करना होगा तो हमने बोल दिया प्रॉफिट लॉस टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसिस ऑफ ओल्ड हमने नई ने पे कर दिया ठीक है ना और इसके बाद मेरे बच्चे आपका और क्या था हमारा ये कौन सी अच्छा ये चार एंट्री हो गया ये चार एंट्री हमने कर दिया किसके रिस्पेक्ट में जी पी लिमिटेड को लेके आने के लिए अब हमने क्या किया क्यू लिमिटेड को टेक ओवर किया है ना क्यू ये देखिए आपका क्यू का शुरू हो गया बिजनेस मर्जर टू क्यू सॉरी पी वो क्यू का था ये पी का था फिर हमने उनके एसेट्स लाइविटी को लेकर आने की एंट्री की बिल्कुल आप देख लो कहीं कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडेटर को हमने कर दिया और लास्ट में हमने क्या किया जो नए शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए थे हमने उनकी एंट्री पास कर दी काम पूरा हो गया खत्म हो गया यही काम करना है अरे बोलो समझ में आ रही बात बिजनेस मर्जर में बिजनेस परचेज में कुछ भी नहीं है यहाँ पे एस फोर्टीन तो सबसे सिंपल है अगर हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने यहां पे बता दिया एग्जाम में अक्सर मैंने देखा है कि बैलेंस शीट पूछेगा नई कंपनी का जब अकाउंटिंग आएगा क्योंकि कुछ बचता है इसके अंदर में एंट्री पास कर लिया अब हमें क्या करना होगा जी बैलेंस शीट बनाना होगा बैलेंस शीट बनाना मेरे बच्चे बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है बैलेंस शीट बनाने के लिए पता है क्या करना होगा बैलेंस शीट बनाने के लिए ये जो एंट्रीज आपने पास किया है ना ये देखिए आप यहाँ पे ये जितनी आपने एंट्रीज यहाँ पे पास की है ये नोट्स आपके पास होगा आप नोट्स ओपन कर लो अगर यहाँ पे ना दिखे तो भी ये जितनी एंट्रीज पास की है इन्हीं एंट्री को आपने क्या करना है नई कंपनी का नाम क्या है जी नई कंपनी का नाम क्या है पीक्यू लिमिटेड तो पीक्यू लिमिटेड का चेक करो कि जो लास्ट प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट है यानी कि जो उनका बैलेंस शीट आपको गिवन है क्वेश्चन में गिवन इन क्वेश्चन उस गिवन इन क्वेश्चन उस बैलेंस शीट में उनके पास कौन कौन से नाम है कितने कितने उन्हीं नाम में मेरे बच्चे इन सबको हमें क्या करना प्लस माइनस कर देना है सुन लो मेरी बात ना न्यू कंपनी का जो आपका बैलेंसशीट क्वेश्चन में दिया रहेगा इस क्वेश्चन में मजे की बात पता क्या है न्यू कंपनी अभी अभी फॉर्म हुई है अभी अभी तो इनका पहले से तो कुछ है ही नहीं यानी कि लास्ट प्रिपेयर बैलेंस शीट है नहीं तो जो दो कंपनी को आपने मर्ज किया इन दोनों कंपनी को मर्ज करने में जिन जिन नाम को आपने एंट्रीज में लिखो उन्हीं को इकट्ठा कर दो और उसको बैलेंस शीट में दिखा दो और वही काम मेरे बच्चे मैंने यहां पे किया है मेरे यहाँ पे मैंने मैंने क्या क्या हुआ है आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है जी वही काम इक्विटी शेयर फास्ट में किया, उनको हमने कर दिया। अगर ये रेगुलर क्लास होता तो उसमें मैं सब कुछ लिख के आपको बताता बट मुझे पता है कि फाइनल के बच्चे हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन प्लीज 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 इस क्लास के एंड होने के बाद आप आधा घंटा इस चैप्टर में जरूर देना और इस बैलेंस शीट को आप अपने हाथ से जरूर बनाएंगे जरूर बनाएंगे जरूर बनाएंगे आप ठीक है ना तो हमने क्या किया वो सारी चीजें मेरे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे किया है शेयर कैपिटल हो गया रिजर्व सब्लस में दो तीन नाम थे तो मैंने उसका शेड्यूल बना के और यहाँ पे दिखा दिया कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम हमने इतना इतना लिया आपका ये कौन सा उनके बैलेंस शीट में कितना हमें उससे मतलब नहीं है उनको हम लोग कितने पे लेकर आए हैं वो लेना है यानी कि एंट्रीज में जो अमाउंट लिखा है उसको आपको यहाँ पे प्लस माइनस करना है प्रॉफिट लॉस का अमाउंट हमने कर दिया है ना बस ये चीज आपको वही हमने इकट्ठा किया ये फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का का ये ये आपने पढ़ाया ग्रुप में बहुत सर आराम से तो आप कर जाएगा <coughs> गौरव हम दोनों की एंट्री को एक साथ दिखा सकते हैं क्यों दिखाएगा बदमाश ये क्वेश्चन आ गया तो बारह नंबर का आएगा यार और बारह नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम कम से कम चाहता है कि कम से कम बीस मिनट तो दो बदमाश बीस मिनट ये तो पांच मिनट का काम है पांच से आठ मिनट का काम है पूरा क्वेश्चन सोल्व करना तो सब इकट्ठा कर देगा सारी एंट्री इकट्ठा कर दो सुबह शाम दोपहर कल आज परसों सबका खाना एक साथ खा लो फिर आप क्यों क्यों अलग अलग खाता है एक साथ सब कर लो उल्टी सीधी बात पूछता है अरे अच्छी चीजें सजाओ ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट पढ़ा है ना अकाउंटिंग एक आर्ट है एक कला है जहां पे हम चीजों को सजाने का काम करते हैं तो सजाओ ना अच्छा लगेगा ऐसे ही सुबह उठता है और निकल जाता है बाहर या खुद अपने आप को सजाता है बाल ठीक नहीं करता है? सजाने का काम करते हैं हम लोग <laughs> तनिषा कहती है कि सर क्वेश्चन सिक्सटीन का क्यू लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वन लाख अमाउंट आएगा मेरे बच्चे कितना अमाउंट आएगा वो आप एंट्री में खुद देख लीजिए वो एंट्री में मैंने दिखा दिया आप कितना यहां देख लीजिए मैंने आपके पास आंसर दिया है लड़के इनका प्रॉफिट लॉस में नाइनटी सेवन थाउजेंड आ रहा है नाइन्टी सेवन आपने वन कैसे निकाल दिया बोलो और कुछ एक कर लेना कुछ अगर मैंने कैलकुलेशन गलती किया होगा तो सही कर लेना ऐसा गलती होगा नहीं मेरे हिसाब से चेक कर लेना कलकुशन गलत होगा तो ठीक है गौरव गौरव <coughs> नहीं बात करेगा मुझसे गौरव बात नहीं करेगा मुझसे गौरव <laughs> गौरव बात नहीं करेगा गौरव हाँ तो बस यही बात गंदी गंदी बात क्यों करता है मुझसे अरे जब चीजें अलग अलग होनी चाहिए दो कंपनी को मिला रहा है तो दोनों को अलग अलग एंट्री करो एक साथ करेगा कंफ्यूज हो जाएगा खोज उसका प्रॉफिट लॉस उसका रिज़र्व उसी में माथा घूम जाएगा आपका हु? हाँ यश अमृत ही तो दे रहा हूँ बदमाश इसको पी रहा हूं फिर वही चीजें आपकी तरफ शक्तियां मेरी आपकी तरफ जा रही है अब इससे ज्यादा कैसे ट्विंकल सब कुछ पूछो मेरे बच्चे सब कुछ पूछो बस यही सवाल मत पूछो ये सवाल पूछती है ना तो मुझे मन करता है कि पता नहीं क्या कर दूँ इन बच्चों का समझ समझिए जब मेरी लाइव क्लास होती थी ना मैं आज से पाँच छः साल पहले की बात बताता हूँ जब लाइव क्लास होती थी और मेरी क्लास में कोई बच्चा या कोई बच्ची ये सवाल पूछता था ना कि सर और कितनी देर क्लास होगी तो उसका गर्दन को मैं यूं कर देता था वहीं पे बस मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ का यूं ही करता था फिर ख़त्म वो बच्चा ही खत्म हो गया क्लास ही खत्म हो गया उसके लिए हमेशा जिंदगी भर के लिए हुँ? करता हूं साना सबसे बात करता हूं बच्चे सबसे बात करता हूं चलिए अब हमने अब आपका मेनली जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है दे हैव बीन फिनिश्ड आपका और अब आप हम पता कहां आगे बच्चे प्रीति

इंटर कंपनी ओइंग नाउ अब इसमें छोटे 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 पे बीच में ऐड होते चले जाएंगे इंटर कंपनी इंटर कंपनी इंटर कंपनी का मतलब होता बच्चे कि ओल्ड कंपनी और नई कंपनी के बीच में पहले से कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे थे अब मान लो कि ओल्ड कंपनी नई कंपनी ने आपस में कुछ गुड सेल किया था परचेज किया था तो एक बैलेंस शीट में जो डेटर था वो दूसरे में क्या था क्रिएटर था तो एक का डेटर दूसरे का क्रिएटर था एक का बी दूसरे का बीपी था उसको बोलते इंटर कंपनी ओइंग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कहीं कोई इंपैक्ट नहीं होगा जब भी इंटर कंपनी ओइंग होगा तो एक काम करना बस एक बार देख लो पहले मेरे साथ यहां पे, एक बार देख लो यहां पे क्या बता रहा हूं इंटर कंपनी ओइंग में क्या होगा मैं वो आपको बताना चाहता हूं पता है यहां देखिए लिखना नहीं आपको ये हच लिमिटेड है कुछ इसको प्रॉब्लम हो रही है और एक आपका यहाँ पे क्या जी वोडाफोन ठीक है ना ये इनका बैलेंस शीट है ये इनका बैलेंस शीट है इनके बैलेंस शीट में यहाँ पे एक डेटर है जो फाइव थाउजेंड का है और यही आदमी ये पता इनका डेटर कौन है वोडाफोन तो वोडाफोन के बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा यहाँ पे क्रेडिटर <coughs> कितने का फाइव थाउजेंड का इसको बोलते हैं हम इंटर कंपनी ओइंग कॉमन डेट्स एक्चुअली कॉमन डेट्स आपका तो पता बस इसमें क्या होने वाला है जब भी कॉमन डेट्स की कहानी होगी ना कॉमन डेट्स की तो आपने कुछ नहीं करना आपका पीसी निकालने में कोई इंपैक्ट नहीं जैसे निकालते थे उसी तरीके से निकालिए ओल्ड कंपनी के ट्रीटमेंट में कहीं कोई इंपैक्ट नहीं जैसे आप करते थे एग्जैक्टली उसी तरीके से कीजिए नई कंपनी के बुक में भी कोई इंपैक्ट नहीं नई कंपनी के बुक में भी कोई इंपैक्ट नहीं जैसे आप करते थे बिल्कुल वैसे ही काम कीजिए नई के बुक में भी एग्जैक्टली exactly सेम बस नई कंपनी के बुक में एक एडिशनल एंट्री और पास करना पड़ जाता है एक एडिशनल एंट्री का मतलब कि सारी एंट्री जो आपने पहले से किया एग्जैक्टली exactly एग्जेक्टली वही है उसके बाद हम क्या करेंगे जी नई कंपनी क्या करेगा जब एंट्री पास करेगा मेरे बच्चे तो ये कॉमन डेट्स वो कैंसिल कर देगा यानी कि अपने बुक में जो क्रेडिटर है उसको डेबिट कर देगा बोल दे भैया मैं आपस जब ये और हम दोनों मिल गए हम दोनों एक हो गए तो आपस में क्या क्रेडिट डेटर मुझे अपने से लेना अपने से देना है ऐसा थोड़े होगा तो क्रेडिटर अकाउंट को हम क्या करेंगे आपका डेबिट कर देंगे फाइव थाउजेंड से और डेटर्स को भी हम फाइव से क्रेडिट कर देंगे दिस इज कॉल्ड द कॉमन डेटर इट्स वेरी सिंपल मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है और यहाँ पे मैंने इसका नोट भी आपको दे दिया है

तो हम उसी से क्या करेंगे इस एंट्री को पास कर देंगे काम पूरा हो गया खत्म होगी बात ठीक है ये yes, जो ही कॉमन डेप्ट अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फ्रैक्शन हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पीसी निकालते समय बट उसका क्या इंपैक्ट आएगा आपका अगर बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे वो भी देखते हैं

अरे वो देख लेना बदमाश कुछ कैलकुलेशन गलती होगा सही होगा देख लेना अभी कैलकुलेशन पे थोड़े आ रहे हैं आप आओ ना यहाँ पे चीजों समझो ना आइए शेयर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे एक बार ये देख लीजिए मेरे साथ <laughs> ये सेवनटीन क्वेश्चन आपका सेवनटीन क्वेश्चन शेयर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ठीक है ना इसमें क्या है शेयर फ्रैक्शन में क्या होगा पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसका लॉजिक समझाता हूं मैं एक बार इसको ना बंद करके ओपन करता हूँ ये हैंग हो रहा है पता नहीं क्यों बार बार नहीं उसको भूख नहीं लगती कुछ हैंग हो रहा पता नहीं क्यों आइए सेवन क्वेश्चन आपका ये देखेंगे मेरे साथ मैंने शेयर फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है पहले क्वेश्चन समझिए फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं इसका कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इन ओल्ड कंपनी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर है एक कंपनी है मेरे बच्चे जिसमें कि वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर है कहता है थ्री टू फोल्ड थ्री फोर यानी कि ओल्ड में अगर तीन शेयर्स हैं तो नई कंपनी में चार शेयर्स दिए जाएंगे मार्केट वैल्यू कहता है पर इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी आपका ट्वेंटी में एक शेयर का मार्केट यानी कि मार्केटिक वैल्यू कितना बता रहा ट्वेंटी ऑफ शेयर्स रिप्रेजेंटेड बाई सम ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि 200 है कि इसका मतलब समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं पता क्या होता है देखो यहां पे समझना मेरे साथ मैं क्या यहां पे बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या होता है शेयर फ्रैक्शन का मान लो यहां पे ये रही हच लिमिटेड सुनना है लिखना नहीं आपको कॉन्सेप्ट दिमाग बैठा लो बात खत्म और ये रही वोडाफोन हच ने कहा कि भैया हमारे पास वन लैख शेयर हैं हमारी कंपनी में वोडाफोन ने कहा कि ठीक है जी हम आपको क्या करते हैं कि आपको आ, थ्री इज टू फाइव के रेशियो में हम आपको पेमेंट करते हैं यानी कि ओल्ड कंपनी में अगर थ्री शेयर है तो नई कंपनी कहती है कि हम पांच देने को तैयार है मुझे बताओ जरा कि वोडाफोन इनको टोटल कितने शेयर फिर हमने कहा कि वन लैख के बदले में वन लैख थ्री के बराबर तो थ्री से डिवाइड इनटू आपका फाइव ये निकल के आना आपका ये सर तो कितना निकल के आ गया आपको यहां पे <coughs> गई वन लैख डिड बाई थ्री इंटू फाइव ये आ गया बच्चे one lakh 66 ये आ गया आपका इतने निकल के आया कि वोडाफोन इनको पे करेगी अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो हमने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं कि वोडाफोन ने कहा कि हम आपको वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स 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 इतना तो हम आपको दे ले देते हैं शेयर्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाय बाय एक शेयर जितने रुपए का भी हमारा है उतना हम क्या करते हैं आपको कैश पे कर देते हैं यही सिखाना बच्चे हम लोगों ने यही सिखाना बच्चे हमने बताइए कि अगर शेयर फ्रैक्शन में क्या होता है कि वोडाफोन अगर हज कंपनी को हज में एक लाख शेयर है रेशियो बना थ्री टू फाइव का तो वोडाफोन ने कहा कि हम, हमारे मुताबिक फिर इतना शेयर्स आएगा तो इनमें से काम करते हैं जी हम आपको एग्जैक्ट जो नंबर आया ये हम शेयर दे 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 का पेमेंट कैश में कर देते दे हो गया शेयर क्या क्या? क्या? है लिया। लेकिन अब की देखो। ये जो वन मेरे बच्चे हज में क्या किसी एक आदमी के पास है नहीं सर बहुत लोगों के पास है ए है बी है सी है डी है ई e है एफ है जी है एच है आई जे पता नहीं कितने सारे शेयर होल्डर उसके अंदर में

जब आपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस रेशियो में तो क्या करेगा कि हम थ्री के बदले में आपको कितना शेयर्स देंगे फाइव देंगे है ना हम उसी रेशियो में सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना निकल के आ गया कितना आ गया बताइए फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री इंटू फाइव ये आ गया आपका एट्टी इनका कितना आ जाएगा जी थ्री इंटू कितना आ जाएगा इंटू तो आपका आ,

है ना बच्चे तो अब सोचो यहाँ पे होता क्या है मैं अब आपको बताऊं रियल लाइफ में क्या होता है वोडाफोन हज को पहले ही कहता है कि भैया हम रेशियो थ्री टू फाइव में आपको देंगे और इसके साथ साथ वोडाफोन हज को बोल देता है कि इस रेशियो में जब आप अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे ना तो मुझे पहले ही बता दो कितने शेयर्स का जो अमाउंट आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है सबका मिला के बता दो तो जितना हमें आपको पेमेंट करना है उसमें से जो जितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन का बताओगे ना हम उतने का पेमेंट आपको कैश में दे देंगे जितने नंबर का आप बताओगे कि सर इतने शेयर्स का पेमेंट हमारे फ्रैक्शन में आगे देना होगा तो हम उतने अमाउंट क्या करेंगे जी आपको हम कैश में दे देंगे और बाकी हम आपको शेयर्स में दे, दे देंगे आप समझो मेरी बात मैं क्या बोलना चाहता हूं दोबारा सुन लीजिए बाकी सारा शेयर्स के थ्रू पेमेंट हो रहा है लेकिन हज कंपनी में जो हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं जब इनको वो पेमेंट करना शुरू करेगा इस रेशियो के अंदर में तो कई लोगों के मेरे बच्चे फ्रैक्शन में आ सकते कई लोगों के और उस केस में जब इनके पास फ्रैक्शन में पेमेंट करने के लिए कैश नहीं होगा तो फिर कहां से पेमेंट करेंगे क्योंकि कंपनी बंद हो रही है इसीलिए वोडाफोन पहले हज को बोलता है कि भैया जितने लोगों का फ्रैक्शन में आपका आ रहा है ना पहले ही मुझे बता दो कितना आ रहा है मैं वो फ्रैक्शन वाला पेमेंट आपको कैश में कर दूंगा और बाकी पेमेंट क्या करूंगा जी मैं आपको शेयर्स के थ्रू कर दूंगा तो इसी से जन्म लिया मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आपका इसी से और इस क्वेश्चन को अब समझिए शायद अब आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर होगी ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कहता है क्वेश्चन में कि देखो जी हम लोगों ने क्या किया है हमने क्या किया है यहां पे सेवेंटीन में ओल्ड कंपनी में वन ट्वेंटी शेयर थे रेशियो था थ्री टू फोर का मार्केट वैल्यू कहता है कि पर इक्विटी शेयर का आपका नई कंपनी में ट्वेंटी फाइव है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ फ्रैक्शन 200 इसका मतलब कि नई कंपनी ने ओल्ड को कहा होगा कि इस रेशियो में हम पेमेंट करेंगे जी आपको तो जितना शेयर्स आपका बनेगा उसमें से बताओ कितने शेयर्स आपको आगे फ्रैक्शन में पेमेंट करना उसका पेमेंट हम आपको कैश में दे देंगे उसी को बोलते हैं पेमेंट ऑफ शेयर इन फ्रैक्शन आपका बोलता बताओ पीसी कैसे निकल के आएगा तो आइए मैं अब आपको यहाँ पे पीसी निकाल कर दिखाऊँ पीसी कैसे बनेगा आ, यहीं पे बता दूं क्या यहीं पे आप आ जाइए मैं यहीं पे पीसी निकालता हूं और आप अपने रजिस्टर में या फिर जहां भी यहां पे जगह कहीं दिख जाए तो ठीक है रजिस्टर में आप सोल्यूशन कर लीजिए है ना पीसी कैसे निकल के आएगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रैक्शन का मतलब क्या निकल के आ रहा है क्या फ्रैक्शन का मतलब क्या निकल के आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको यहां पे बोलो सोल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का सेवनटीन का लिखिए पे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ पीसी बाय कौन सा मेथड जी नेट पेमेंट मेथड क्योंकि ये सारी चीजें नेट पेमेंट में ही निकल के आएगा जहां पे रेशियो में हम पेमेंट करेंगे आपका ठीक है ना तो आपने कहा टू यानी कि ओल्ड कंपनी ओल्ड इन यानी कि न्यू कंपनी हम यहां करेंगे कैलकुलेशंस और फिर हम यहां पे करेंगे अमाउंट ओल्ड कंपनी का मालिक कौन है बताइए इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इनको नई कंपनी में हम क्या दे रहे हैं आपका इक्विटी शेयर तो ओल्ड कंपनी की इक्विटी को हम नई कंपनी में क्या इश्यू कर रहे हैं बच्चे आपका uh, इक्विटी शेयर कितना ये देखिए आप ओल्ड कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी कितने वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड 120. ये 120 रेशियो क्या 3 इस तू तो 3 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई. बताइए कितने शेयर्स आ गए. बताइए कितना आ गया. 1 lakh 20 thousand डिवाइड बाय 3 इनटू 4. कितना आ गया आपका. 1 lakh 60 thousand. ये आ गया 160. 160. 160 आ गया. मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना सुनन ओल्ड ओल्ड कंपनी को नई कंपनी देने वाली थी नई कंपनी कहा कि ठीक है जी फेयर रेश्यो के मुताबिक आपका 160 में शेयर्स दे देती हूँ। लेकिन ओल्ड ने कहा अरे रुको रुको 160 मत दो हमें आगे जब पेमेंट करना ना पार्ट-पार्ट पे अपने शेयर होल्डर को तो 200 शेयर्स ना हमें फ्रैक्शन में पेमेंट करने पड़ेंगे आप उसका मैं कैश दे देना तो हमने कहा कि ठीक है तो 160 में 200 शेयर्स हटा दो जी हटा दो हम वो, वो पेमेंट आपको हम कैश में देने को तैयार हैं तो 160 में 200 हटा दो और बाकी पेमेंट जो है वो हमसे क्या करो जी आप ले लो शेयर्स तो ये इक्विटी को हम इक्विटी दे रहे हैं इतना और एक शेयर नई कंपनी की वैल्यू कितना बता रहा आपका ट्वेंटी फाइव रुपीज नई कंपनी में एक शेयर की वैल्यू कितना बता रहा आपको यहां पे ट्वेंटी फाइव रुपीज ट्वेंटी फाइव समझो मेरी बात ना वन सिक्सटी में से दो सौ शेयर का पेमेंट ओल्ड कंपनी कैश में मांग रहा है तो मेरे बच्चे हमने बोला कि ठीक है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड में से दो सौ हटा दो और बाकी का पेमेंट आपको हम क्या करेंगे कि हम शेयर्स दे देते हैं तो थर्टी नाइन लैख एंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स का पेमेंट हम क्या कर रहे हैं जी आपको यहाँ पे इक्विटी को इक्विटी दे रहे हैं और इस इक्विटी को जो फ्रैक्शन वाला पेमेंट हम कर रहे हैं वो कैश का आपका वो कितने शेयर्स का 200 शेयर्स का 200 सो इंटू ये कितना हो गया आपका 5000 थाउजेंड का अमाउंट 5000 थाउजेंड का अमाउंट तो अल्टीमेटली पेमेंट कितना हो गया 40 लैक्स रुपीज का अमाउंट आपका 40 लैक्स आपका पीसी बन गया यही फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है बस यही कॉन्सेप्ट है और बस यही कॉन्सेप्ट है तो जब भी शेयर फ्रैक्शन का आ जाएगा आप समझना कि क्वेश्चन में कहीं कुछ दम नहीं है फ्रैक्शन में क्या होगा वो खुद कह देगा कि भैया ओल्ड कंपनी इतना शेयर कहता है कि मेरा फ्रैक्शन में होने वाला उसका पेमेंट कैश में कर दो तो आपने क्या करना पेमेंट कैश में कर देना अक्सर अक्सर जनरली ये कैश में जो पेमेंट होता है जो वैल्यू है ना शेयर का उसी के रेट से हम करते हैं कभी कभी क्वेश्चन कह देगा अभी दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन आएगा कि भैया कैश वाला पेमेंट ना तीस रुपए के हिसाब से कर दो चालीस रुपए के हिसाब से कर दो दस रुपए के हिसाब से कह दो तो बोलेगा तो उसी के रेट से पेमेंट करना ना बोले तो फिर क्या करना जो इन, इसकी मार्केट वैल्यू उसी वैल्यूट से हम पेमेंट कर देंगे काम पूरा हो जाए। इसमें इसमें कोई कोई डाउट डाउट है है किसी को आपका इसमें को है? और मजे की बात है कि मेरे बच्चे इसका आगे कहीं कोई इंपैक्ट नहीं है ना ओल्ड के बुक में ना नई के बुक में ओल्ड के बुक में हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे भैया हमें जो पीसी नई कंपनी से मिला है इतना शेयर्स इतना कैश शेयर्स का और कैश का अकाउंट खोलेंगे और सब कुछ हम क्या करेंगे इक्विटी वालों को दे देंगे क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी वालों का इंडिविजुअल अकाउंट आप नहीं बनाते हो आप क्या करते हो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को उतना शेयर चला गया उतना कैश चला गया और नई कंपनी के बुक में भी कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल जिस तरीके से एंट्री पास करते हो वही कीजिए नई कंपनी ने कंसिडरेशन क्या दिया होगा उतना शेयर उतना कैश आपका लेकिन सवाल का मुझे जवाब दीजिए और एक एक बच्चा मुझे जवाब देगा कि बताओ जरा अगर फ्रैक्शन में ये पेमेंट आपका हुआ तो सिर्फ ये चीज देख के बताइए ये चीज देख के बताइए कि ये मर्जर है कि परचेज है आप बताइए इसको देख के बताइए कि मर्जर है कि परचेज है सिर्फ इतना देख के बताइए मुझे बहुत दुख होता है जब आप गलत जवाब देते हैं कसम से बोल रहा हूं मुझे बहुत दुख होता है जब आप गलत जवाब देते हैं ये मेरे बच्चे स्वाति गुप्ता यशवंत प्रिया रावत इसके सीएम ये सारे बच्चे जो अभी जिनका नाम लिया ये सबके सब गलत है सबके सब गलत है अरे ये मर्जर है बदमाश अरे ये मर्जर है ये मर्जर है मैं 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 कैसे बताऊं? काश अब अभ, अभी आप मेरे सामने होते, तो फिर मैं आपको बताता कि एक्चुअली मैं कितना रूड हूं कितना मैं गुस्से वाला आदमी हूं आपको तब बताता जब मेरे सामने आप रहते तो अगर कोई बच्चा मेरे समझाने के बाद भी गलतियां करता है ना तो फिर मैं क्या करता हूं आपको कैसे बताऊं ये देखो आप यहाँ पे यहां देखिए आप जरा ये पांच केसे जो मैंने आपको बताए थे समझाए थे उसके बाद मैंने पढ़ के भी आपको यहां पे बताए थे मैंने कहा था यहां पे थर्ड पॉइंटरेशन आप पे कर रहे हो ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी शेयर्स में करना है बाय बाई ऑफ इक्विटी शेयर्स लेकिन कहा था ब्रैकेट में एक्सेप्ट कैश में बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर्स कहा था बदमाशों कि अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो उस फ्रैक्शन का पेमेंट आप कैश में कर सकते हो नहीं कहा था मैंने बोलो नहीं कहा था कि फ्रैक्शन का पेमेंट मे बी डन इन कैश लेकिन जो जो एग्जैक्ट जो आपका है, उसका पेमेंट इक्विटी में होना चाहिए है? है ना बच्चों तो जितने बच्चे परचेज लिखे थे वो गलत हैं और कृपया करके अब गलत ना करें क्योंकि अब गलती कोई मतलब ही नहीं बनता यार। इतने अच्छे से सारे मैंने करा दिए हैं

आप एक काम कीजिए जरूर आ, कहां चला गया ये। अपना शेयर फ्रैक्शन में आप एक नोट लिख लो यहां में नोट लिखना भूल गया लिख लो एक नोट यहाँ पे शेयर फ्रैक्शन के नीचे में नोट लिखिए नोट नंबर वन नोट नंबर वन कोई नहीं आर्यन लिखो नोट नंबर वन नो नो इंपैक्ट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी और नोट नंबर टू नो इम्पैक्ट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी ओल्ड एंड न्यू दोनों में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका शेयर फ्रैक्शन का ठीक है ना अब मुझे लगता है मेरे पास अभी एक 18 क्वेश्चन है डिसेंटिंग शेयर होल्डर के ऊपर में फिर एक 19 क्वेश्चन है अभी आपका थोड़ा आप कॉन्सेप्ट तो खत्म उसके बाद यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे 19 और 20 क्वेश्चन अभी आपके पास है मतलब अच्छे क्वेश्चन में आपका कुछ और भी हमारे पास था फिट 21 है अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक जो इंडेक्स 103 था ना वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी है सब जगह होता है एक्चुअली सेम ही चीज तो है यहाँ पे और फिर करते-करते मुझे अभी 24 पे आना है 25 पे आना है और फिर आपके एग्जाम का वो क्वेश्चन 26 पे आना है मैं सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूं कि ये क्लास को ना मैं अगले सैटरडे को एंड करूं क्योंकि मुझे एक क्लास चाहिए आज अभी हम लोग तो कितने ग्यारह ढाई घंटे क्लास हमारी हो गई है और अभी लगभग ये टॉपिक ढाई घंटे का है अगर मैं एक घंटा बढ़ा भी दू तब भी हमें अगली बार क्लोज क्वेश्चन करना पड़ेगा नहीं दिव्या क्रॉस वॉर्डिंग सब सब आपका इंडेक्स वन जीरो थ्री में आएगा तो मैं सोच रहा हूं और मैं उसको लिंक कर दूंगा यहाँ पे चिंता ना करें हाँ रविंद्र है तो मैं एक काम करता हूं ना क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट आपस में अब लिंक है बच्चे तो मैं अगली क्लास इसका अगले सैटरडे को करते हैं हम लोग या फिर एक काम करूंगा कि मैं इसका ना क्योंकि अगले सैटरडे तक आप भूल जाओगे मुझे पता है तो मैं इसका रिकॉर्ड करके ना तीसरा लेक्चर थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं इसी वीक में डाल दूंगा और अगले सैटरडे से हम आपका एस ट्वेंटी वन पे चले जाएंगे क्या बोल रहे हो आप लोग थर्ड लेक्चर इसका रिकॉर्ड करके मैं चैनल पे डाल दूंगा लास्ट लेक्चर रहेगा ढाई घंटे का मैक्सिमम आपका और फिर जो आपका इंडेक्स ट्वेंटी होगा वो अगले सैटरडे से, से शुरू करता हूं ठीक लग रहा आपको राघव वो बताऊंगा थर्ड क्लास के अंदर बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा आप चिंता न कीजिए अभी बताऊंगा हॉश फॉस हो जाएगा आपके दिमाग में ठीक है फिर यही करता हूँ मैं इसकी जो थर्ड क्लास है इसी वीक में रिकॉर्ड करके दो तीन दिन के अंदर मैं चैनल पर डालूंगा और आपको आपके जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था लाइव सेशन के लिए उनको भी मैं शेयर कर दूंगा सबको शेयर कर दूंगा और अगले आपका जो क्योंकि इंडेक्स ट्वेंटी वन में भी सॉरी ए एस ट्वेंटी वन में भी तीन क्लासेज मुझे चाहिए तीन क्लास में खत्म हो जाएगा एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे आप और जो एग्जाम में आया था वो भी करा दूंगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपका सर शेयर कर लेंगे ठीक है बच्चों तो हम लोग इस सेशन को आज हम पहले एंड करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए सर इंटर कंपनी होल्डिंग इसमें से आता है क्या दिशा इंटर कंपनी होल्डिंग इसमें से कोई आने का को तो आ, आता ही है बट मैं वो करा दूंगा आपको जो आपने इंडेक्स एक सौ तीन में पढ़ाया ना सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम उसे सिंपल है मैं करा दूंगा आप चिंता नहीं कीजिए वो और मजा आएगा वो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है वो है ना तो जो पेपर का पैटर्न आपका अभी तक रहा है ना क्योंकि एस और जो क्वेश्चन है कभी इंटर कंपनी चेन कंपनी उन्होंने पूछा नहीं है तो मैं एक बार देख लूंगा जितना मुझे रिक्वायरमेंट होगा उतना करा दूंगा अंदर में बात करके क्या वो बदमाश पूछने वाले हाँ ठीक है प्रिया आप जो बोलेंगे वही करूंगा बच्चे और ठीक है फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं लाइव भी आ जाऊंगा आपके लिए आप चिंता नहीं कीजिए और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि मैं इस पूरे एक महीने के अंदर में सिर्फ आपके रिवीजन पे काम करूंगा रागो सब कहा ना बदमाश सबका एक एक चैप्टर का रिवीजन लाने की कोशिश करूंगा रिवीजन रिकॉर्ड करने में टाइम नहीं लगता नोट्स में बहुत टाइम लगते हैं क्योंकि एक एक वर्ड को इतने बड़े कॉन्सेप्ट को प्रिसाइज़ करना इतना आसान नहीं होता <coughs> राघव बताया बदमाश कितनी बार एक ही सवाल पूछता है जो आपको गुडविल का अमेंडमेंट शेयर्स का अमेंडमेंट अगर अभी आप मेरे पेड क्लास में नहीं है या फिर मेरे क्लास अभी आपके पास नहीं चल रही है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और फैकल्टी से पढ़े हैं उस केस में इसका अमेंड क्या हुआ रिविजन लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आप जरूर देखेंगे उसको इंडेक्स एक का ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरा रिविजन लेक्चर है बदमाश सैनी ऑलरेडी है आप उसको देख सकते हैं आपका इंडेक्स वन इंडेक्स टू इंडेक्स सेवन एट आपका इंडेक्स वन जीरो टू वन जीरो थ्री गवर्नमेंट अकाउंटिंग शेयर्स और भी कई का, का तो तो? हाँ जी राघव में, में वो सारे कौन से मैंने कवर कर लिए चलिए आज का सेशन फिर एंड करते हैं बच्चे और आप भी थोड़ी मस्ती कर लीजिए संडे इंजॉय कीजिए मैं भी थोड़ा जाता हूँ मस्ती करता हूँ इंजॉय करता हूँ और इसी वीक में आपका थर्ड पार्ट मैं दूंगा और अगले सैटरडे से हम इंडे एस ट्वेंटी वन पे आपके साथ काम करेंगे आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा ठीक है चात जो बोलेगी लड़की वही करूंगा मैं रिमेनिंग चैप्टर्स बीच में बीच बीच में लाइव भी कराते रहूंगा आपके साथ आप डोंट वरी ठीक है बलराम ठीक है ठीक है आप चलिए एंजॉय कीजिए बाय बाय टाटा आप सभी को थैंक यू थैंक यू।, यू जी नहीं लोन में गुस्सा कभी नहीं होता खासकर बच्चों की बात पे आपका काम है को नहीं आपका काम है बोलना और हमारा जन्म ही हुआ है आप लोगों के लिए तो जो आप बोलेंगे नहीं कराया तो फिर फायदा क्या हुआ इसलिए पूरी कोशिश करूंगा आपको कराने के लिए बदनाम गुस्सा कभी नहीं होता मैं अच्छी चीजों पर चलो बाय बाय टाटा